एनटीए यूजीसी नेट यानी निमिज नेट ऐप, कंप्लीट स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन के बारे में। दोस्तों ब्लड रिलेशन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार आता है, तो इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से करोगे तो ये जो अपना टॉपिक है बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो बिल्कुल डिटो कॉपी रिपीट हुए हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे पेपर फर्स्ट की बात कर लो या पेपर सेकंड की, दोनों के दोनों पेपर हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। इनके ओल्ड पेपर कीजिए अगर आपको नेट प्लस जेआरएफ लेना है तो। और अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है जो री एग्ज़ाम हुआ था, दोबारा एग्ज़ाम हुआ था कुछ लोगों का हुआ था अगर को पता हो तो। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए कूट में से समुचित विकल्प को चुनिए, ये इन्होंने दिया है। गाय, दूध, मधुमक्खी, शहद, शिक्षक, इसमें हमें बताना है, तो इसका आंसर हम बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। और यही क्वेश्चन बिल्कुल डिटो कॉपी आया है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक, ये तो आपने देख लिया जैसे जुलाई 2018 का है, और पहले कब आया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर बिल्कुल सेम डिटो कॉपी यही क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें मधुमक्खी, शहद, गाय, दूध और शिक्षक दिया हुआ। उसमें क्या था कि ये जो गाय दूध है ये पहले दिया था, ये बाद में दिया था, इस तरह था। तो यानी कि बिल्कुल सेम है दोस्तों अगर किसी ने ये पहले क्वेश्चन किया है तो अब जो क्वेश्चन आया था बिल्कुल उसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा भी दोस्तों मैंने वीडियोज़ काफ़ी बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने बताया है कि जुलाई 2018 में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे। करीब 18 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो बिल्कुल डिटो कॉपी रिपीट हुए थे। तो दोस्तों हमारे लिए पेपर फर्स्ट और सेकंड ओल्ड पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में, करते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। दोस्तों वैसे तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करना आसान होता है लेकिन काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप कुछ स्टेप को ध्यान में रखोगे, कुछ टिप्स को ध्यान में रखोगे तो आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिनको आप ध्यान में रख के बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर एक लड़का या लड़की, औरत, बूढ़ा बुजुर्ग, इस तरह से कुछ दिया हुआ होता है। तो हमें क्या करना है कि अगर कोई मेल है तो उसके सामने प्लस का निशान लिखेंगे और अगर कोई फीमेल है तो उसके सामने माइनस का निशान रखेंगे, क्योंकि इससे हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन लड़का और कौन सी लड़की है। देखिए अगर कोई आर नाम का लड़का है तो उसके आगे आर प्लस लिखेंगे और अगर लड़की है तो एस माइनस, इस तरह से लिखेंगे। कोई भी हम नाम दे सकते हैं जैसे एस, पी, आर, क्यू, जो भी हमें देना है, बस प्लस और माइनस का हमें ध्यान में रखना है। और आगे आता है दोस्तों टिप्स नंबर टू, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारा सेम लेवल है जैसे कि भाई बहन है या कोई चाचा का लड़का है या पति पत्नी है, दोस्त है, तो उसके अंदर हम इस तरह से डिनोट करेंगे उसे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों अगर हमसे एक स्टेप ऊपर कोई रिश्ता है हमारा, जैसे कि हमारे पापा हो गए, हमारे चाचा हो गए या इस तरह से कोई भी हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर से लेके नीचे इस तरह का साइन लगाएंगे। और आगे आता है दोस्तों अगर हमसे दो लेवल ऊपर का कोई रिश्ता है, जैसे कि हमारे कोई दादा है, नाना है, दादी है या नानी है, इस तरह का कोई रिलेशन है, तो उसमें हम इस तरह का
पोजीशन, इस तरह की पोजीशन हम बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर से ही, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। एक महिला ने अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए कहा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक एक लाइन को लेके चलना है, थोड़ी थोड़ी लाइन को लेके चलना है ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने कहा कि एक महिला ने, देखिए हमने यहाँ पे पहले एक महिला इस तरह से लिख लिया और इसके सामने माइनस का निशान लगा दिया, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कोई पर्सन है, ये फीमेल है। आगे देखिए, अपने पति से राकेश का परिचय कराते हुए, अपने पति, ये इसका हस्बैंड हो गया, ठीक है। और राकेश का परिचय, ये देखिए ये राकेश है, ये महिला है अपने पति से राकेश का परिचय करवा रही है। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या कहा है। इसके भाई के पिता, अब ये कह रही है कि इसके भाई के पिता यानी कि राकेश के भाई, यानी कि राकेश के भाई के पिता, इस तरह से हमने लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों हमें एक एक जो स्टेप है ना वो बड़े ध्यान से करना है। अब देखिए राकेश लिख दिया, फिर आगे भाई लिख दिया, इन दोनों के सामने प्लस प्लस लगा दिया तो हमें पता चल रहा है कि ये मेल है। और फिर हमने ये इस तरह से लिख दिया, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लिख दिया, हॉरिजॉन्टल साइन दे दिया, इससे क्या पता चल रहा है कि इन दोनों का लेवल सेम है। और इसके भाई के पिता, पिता को हमने यहाँ पे लिख दिया, इतना लिख दिया दोस्तों। आगे हम देखते हैं आगे क्या है कि इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, यानी कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि जो महिला है उसके दादा के इकलौते पुत्र क्या होंगे, ये हो गए, यानी कि महिला के जो पिता है वो उसके दादा के इकलौते पुत्र हो गए, ये यहाँ पे आ गई। और ये क्या कह रहा कि इसके भाई के पिता, यानी कि राकेश के भाई के पिता ये हो गए पी, और महिला के दादा के इकलौते पुत्र हो गए एफ, यानी कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एफ जो, यानी कि जो पी और एफ है ये दोनों के दोनों एक ही पर्सन है, एक ही आदमी है ये दोनों के दोनों, ठीक है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा कि अब देखिए, दादा का बेटा क्या होता है अपना, और इसने कहा है कि इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र का मतलब क्या हुआ, उसका बाप, यानी कि जो महिला है उसका पिता और राकेश का भाई है उसका पिता, ये दोनों के दोनों एक ही आदमी है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो महिला है राकेश है और ये राकेश का भाई है, ये तीनों के तीनों आपस में भाई बहन है। तो इससे हमें अपना जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा कि जो महिला है वो राकेश की क्या लगती है, बहन लगती है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि जो महिला है वो राकेश की क्या लगती है, बहन लगती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को रोक के देख लेना, आसानी से ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो वह हमसे पूछ सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। इसमें कहा है कि अजय राकेश का दोस्त है। तो सबसे पहले हम अजय और राकेश का रिलेशन इस तरह से लिख लेंगे। एक बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा वह कौन है, यानी कि अजय ने राकेश से पूछा एक बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कि वो कौन है, यानी कि एक ये बुजुर्ग है इसकी ओर इशारा करते हुए अजय ने राकेश से पूछा कि ये कौन है, ठीक है। आगे देखते हैं, राकेश ने कहा, अब देखो राकेश बता रहा है, ये जो राकेश है ये बता रहा है कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, यानी कि उसका बेटा, बुजुर्ग का बेटा, ये हमने लिख लिया ड्रॉप डाउन नीचे की तरफ ऐसे लिख लिया, बुजुर्ग का बेटा राकेश के बेटे का चाचा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक बार इस फिगर को अच्छे से देखिए और इसमें जो बातें लिखी है इन दोनों को पढ़िए, आपको ये पूरा का पूरा ग्राफ बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि ये देखिए, इसने कहा है कि मेरे बेटे का चाचा, यानी कि मेरे बेटे का अंकल क्या होता है, अब राकेश का क्या होगा, यानी कि सेम रिलेशन हो जाएगा, सेम लेवल का रिलेशन हो जाएगा, भाई का हो जाएगा, ठीक है। और जो भाई का जो पिता होता है वो क्या होता है अपना, वो होता है बाप होता है।
और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें पता चल रहा है कि राकेश के बेटे का चाचा हो गया ये, ठीक है। और जो अपने बेटे का चाचा जो होता है वो अपना क्या होगा, अपना भाई हो जाएगा, और अपने भाई का जो पिता होता है वो अपना भी पिता होता है। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये फादर आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस ग्राफ को आप अच्छे से देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हमने प्लस और माइनस कहीं भी नहीं लगाया। तो दोस्तों प्लस माइनस का यूज़ हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी मेल की बात हो रही है, कहीं भी फीमेल का जिक्र नहीं है। तो इसलिए हमने प्लस माइनस का जो ट्रिक है वो यहाँ पर हमने नहीं लगाई। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि सी और डी बहनें हैं। तो सबसे पहले हमने सी और डी का रिलेशन यहाँ पे इस तरह से लिख लिया, सी और डी दो बहनें हैं। उसके बाद में ए और बी भाई है, उसके बाद में हमने ए और बी दोनों का लिख लिया, ए और बी दोनों भाई, और इनके सामने प्लस प्लस निशान लगा दिया। अब देखिए ई जो है ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र इस तरह से हमने लिख लिया, जो ये ई है ए का बेटा है इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए और डी का भाई है, यानी कि ई जो है ए का तो पुत्र है और डी का भाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ये लिख दिया और यहाँ पे हमने ब्रदर लिख दिया। अब देखते हैं कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी कि इस बी का इस सी से क्या संबंध है, ये हमें देखना है। तो देखिए हम क्या किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इसने पहले ही कहा था कि सी और डी बहने, ये दोनों की दोनों बहने हैं, यानी कि जो रिलेशन डी का बी के साथ होगा वही सी का बी के साथ होगा। अब हम देखते हैं कि डी का बी के साथ क्या रिलेशन है। अब देखिए यहाँ से हमने जब ग्राफ ड्रॉ किया था तो उसमें पता चला कि जो डी है वो ई की बहन है, यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। और जो ई है, ई जो है ए का बेटा है, तो क्या हुआ कि जो डी है वो ए की भी बेटी हो गई, यहाँ से आपको पता चल रहा है। क्योंकि अब इसमें देखिए दोस्तों, ई जो है ए का बेटा है, ठीक है, और जो ई है डी का भाई है, तो क्या हुआ कि जो डी है डी ए की बेटी हो गई, यहाँ से हमें पता चल रहा है, ठीक है। और ए जो है बी का भाई है, यानी कि अब क्या होगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है कि जो बी है वो डी का क्या हो जाएगा, चाचा हो, यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि डी और बी का क्या संबंध है, चाचा का रिलेशन है इसके अंदर। तो दोस्तों आप ये ग्राफ देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों इस पीडीएफ में हमने और भी काफ़ी तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो हमारे पीछे जो क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं वो अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सके। थैंक यू दोस्तों। NTA UGC NET यानी NIMHANS NET, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स, ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोस, 2012 से लेकर 2020 तक ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विद आंसर की, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वीडियोस और नोट्स, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों क्वेश्चन पेपर में हमें फटाक से पता चलना चाहिए कि क्यू कितने पे आता है, एम कितने पे आता है, जे कितने पे आता है, यू कितने पे आता है। अगर हम एक सेकंड के अंदर पता कर लेते हैं कि कौन सा अक्षर कितने पे आता है तो हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसी के बारे में जानते हैं कि आप किस तरह से इनको जल्दी से याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी सी डी ई। देखिए ये ए बी सी डी में पहले पांच अक्षर ये बिल्कुल आसान होते हैं, ये कोई भी बंदा याद रख सकता है कि सी कितने पे आता है, डी कितने पे आता है और ई कितने पे आता है। इसी तरह से लास्ट के अंदर एक्स वाई जेड जो होता है इनको भी हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि ये 24 पे आता है, वाई 25 पे आता है और जेड 26 पे आता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि शुरू के जो पाँच अक्षर और लास्ट के तीन अक्षर ये हमें याद रखना बहुत आसान है, ये हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन से अक्षर है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम बात करते हैं आगे एफ और पी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एफ और पी के अंदर अगर हम कुछ समानता देखें तो इसके अंदर क्या निकल के आएगी। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए एफ और पी दोनों को उल्टा करने पर हमें छः की आकृति मिलती है। एफ और पी को देखिए हम दोनों को उल्टा कर देंगे इस तरह से तो ये हमें कुछ कुछ छः के जैसा मिलेगा। और दोस्तों छः से हमारे कितने नंबर बनते हैं, एक तो छः बनता है, एक 16 बनता है और एक 26 बनता है, ठीक है। और दोस्तों हमें पता है कि 26 पे तो हमारा जेड आता है तो ये 26 तो ऐसे कट हो जाएगा यहाँ पे, फिर बचा हमारे पास 6 और 16, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ जो है वो कितने पे आ जाएगा, 6 पे, और पी है वो आ जाएगा 16 पे आ जाएगा। इस तरह से आप इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारे 6 नंबर से दो अक्षर हो रहे हैं, पी और एफ हो रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे कौन सा अक्षर है। अब देखिए आगे है हमारे पास जी और क्यू। अब इसमें भी देखिए दोस्तों, हम समानता देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी इस तरह से लिखते हैं और क्यू इस तरह से। जी के अंदर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 7 के जैसा ये दिखाई दे रहा है हमें, और इसी तरह से क्यू के अंदर ये देखिए दोस्तों, ये भी 7 के जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो दोस्तों वही बात आती है कि 7 से हमारे कितने अक्षर, कितने नंबर बनते हैं, एक तो 7 बनता है, एक 17 बनता है, एक 27 बनता है। और हम सभी को पता है कि 27 का किसी भी तरह का कोई अल्फ़ाबेट नहीं आता, तो बाद में हमारे पास क्या बच गए, एक तो 7 बच गया और एक 17 बच गया। तो 7 किसके लिए हो जाएगा, जी के लिए, और क्यू किसके लिए हो जाएगा, 17 के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को भी हम याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन सा अक्षर है। अब देखिए दोस्तों बात आती है एच, एच को हम किस तरह से याद रखेंगे। देखिए दोस्तों एच को हम इस तरह से लिखते हैं, हम सभी को पता है। और एच को देखिए ऊपर और नीचे से इस तरह से हम मिला देंगे। देखिए ये जो एच है ऊपर से और नीचे से हमने दोनों तरफ से मिला दिया इसे, तो क्या बन जाएगा हमारा, 8 बन जाएगा। तो यानी कि फिर क्या हुआ, एच कितने पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे आता है दोस्तों हमारे पास आई। दोस्तों आपने देखा होगा कि आई को हम बड़े बड़े में ऐसे लिखते हैं और छोटे में हम कुछ कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसा लिखने में ये देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा अल्फ़ाबेट कुछ कुछ 9 के जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आई कितने पर आएगा दोस्तों, वो 9 पे आएगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से इसे याद रख सकते हैं, यानी कि देखते ही हमें पता चल रहा है। और आगे देखते हैं हम आगे कौन सा अक्षर आता है। आगे आता है दोस्तों हमारे पास जे आता है। जे को देखिए हम किस तरह से याद रखेंगे। जे में देखिए दोस्तों ऊपर का जो है ये डंडा जो है इसे हम 1 मान लेंगे और नीचे जे में जो ये मुड़ा हुआ है इसे हम बिल्कुल 0 बना देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, 1 और 0 यानी कि 10, यहाँ से हमारा 10 हो जाएगा। यानी कि जे कितने पे आता है, फिर 10 पे आता है। यहाँ से हम इस तरह से इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सा आता है। आगे आता है दोस्तों के। दोस्तों हरियाणा में, हमारे हरियाणा में बच्चे कहते हैं कि मजाक मजाक में कहते हैं कि ए बी सी डी का 11वां अक्षर के होवे है, के होवे है। तो यानी कि वो उसी में बता रहा है कि क्या के होता है, 11वां अक्षर के होता है। तो यहाँ ये बिल्कुल आसानी से हम याद रख सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या आता है। आगे आता है दोस्तों हमारे पास एल। अब देखिए एल को हम किस तरह से याद रखेंगे, और इसमें देखिए एल को हम इस तरह से लिखते हैं, आप सभी को पता है। तो एल में हम क्या करेंगे, ऊपर का जो पोर्शन है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से इसे बढ़ा देंगे। तो ये शेप किसकी बन जाएगी दोस्तों, करीब करीब 2 के आसपास बन, यानी कि 2 की बन जाएगी, 2 के जैसी बन जाएगी। और 2 से हमारे क्या क्या काउंटिंग बनती है, एक तो 2 बनती है, एक 12 बनती है, एक 22 बनती है, ठीक है। तो 22 पे तो ये काफ़ी लंबा हो गया, ये नहीं आएगा। और जो ये देखिए दोस्तों, जो 2 है, 2 पे हमें पता है बी आता है, तो बीच में क्या बच जाएगा हमारा,
12 बच जाएगा, यानी कि L कितने पे आता है, 12 नंबर पे आता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कौन सा अक्षर आता है हमारे पास। आगे हम लेके चलते दोस्तों दो अक्षर को लेके चलते हैं, एक तो हमारे पास M है और एक हमारे पास W है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे कि M और W से, देखिए M और W को थोड़ा सा बस टेढ़ा कर दो, और फिर देखो ये देखो M और W को इस तरह से करने पे हमें किसकी आकृति प्राप्त हो रही है, तीन के जैसा ये हमें लग रहा है। और तीन से वही बात आती है दोस्तों कि तीन से क्या क्या बनता है, एक तो तीन बनता है, 13 बनता है, 23 बनता है। तीन पे हमें पता है कि सी आता है, और बाद में क्या रह गया, 13 रह गया और 23 रह गया, यानी कि M कितने पे आएगा, वो 13 पे आएगा, और W कितने पे आएगा, 23 पे आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास N। N हमें पता है दोस्तों, हम N को दो तरह से याद रख सकते हैं कि एक तो M है वो N के बाद आता है, जैसे कि एम एन, और M हमने अभी पता है कि वो 13 नंबर पे आता है, तो N कितने पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा। और इसे हम एक दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि N है इस तरह, N को हम दो हिस्सों में काट लेंगे, इस तरह से हमने काट लिया। इन दो हिस्सों में काटने के बाद दोस्तों हमारे पास ये देखिए, ये भी 7 के जैसा लग रहा है और ये भी 7 के जैसा लग रहा है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से भी N को याद रख सकते हैं। और आगे देखते हैं हम आगे कौन सा आता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे आता है हमारे पास O। O को जैसे कि हमने अभी बताया कि M, N, O तीनों इकट्ठे आते हैं, तो उनको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि M आता है 13 पे, N आता है 14 पे, O आता है 15 पे आता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास आता है R और S। अब देखिए R को हम किस तरह से याद करेंगे, R को वही बात आई दोस्तों, R को हम इस तरह से लिखते हैं और नीचे से जब हम इसे मिलाएंगे तो ये हमारा 8 के जैसा हो जाएगा। ठीक है, और 8 का हमने पीछे देखा था कि 8 8 पे कौन सा अक्षर आता है, अगर आपको याद हो तो 8 पे क्या आता है, H आता है। तो 8 से हमारे कौन कौन से अक्षर वो अंक बनेंगे, एक तो 8 बन गया, एक 18 बन गया, एक 28 बन गया। तो 28 हमें पता है कि 28 कुछ होता ही नहीं है, और 8 पे हमारा H आता है, और बच गया क्या दोस्तों हमारे पास, 18 बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, R कितने पे आता है, 18 नंबर पे आता है। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास आता है टी। अब देखिए टी को याद रखना बिल्कुल आसान है, जैसे कि हम कहते हैं 20-20 मैच होते हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, टी यानी 20-20। तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारे पास यू। यू को देखिए दोस्तों किस तरह से याद रखना है। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें माइंड लगाना पड़ेगा, इसे भी दोस्तों हम छोटी ए बी सी डी में लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यू को कुछ कुछ हम छोटी ए बी सी डी में इस तरह से भी लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो पार्ट है हमारा दो के जैसा लग रहा है, और ये जो है हमारा एक के जैसा लग रहा है। तो यहाँ से हम किस तरह से याद कर सकते हैं इसे, कि ये कितने पे आएगा, 21 नंबर पे ये आएगा। तो इस तरह से कुछ लॉजिक लगा के हम बिल्कुल आसानी से इसे याद रख सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आता है दोस्तों हमारे पास वी। अब देखिए, जैसे कि हमने गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा है कि वी टू आवर टू, यानी कि वी टू आवर टू, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, वी ये हो गया वी टू आवर टू, यानी कि दो बार दो दो आ गया। तो वी का मतलब क्या हुआ, ये 22 पे आता है। तो इस तरह से हम बिल्कुल वी को बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे ए टू जेड सभी अल्फ़ाबेट हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। और अगर आप एक बार फिर से रिवीजन करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं। NTUGCNet यानी निमिज नेट ऐप, कंप्लीट स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बड़ी आसानी से। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिपीट होने वाले क्वेश्चन के बारे में और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे और मेरे से ये कहेंगे कि सर आपने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई। तो चलिए दोस्तों वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर देखिए 22। इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज ऊपर दी हुई है इसे आप एक और बिल्कुल अच्छे से देखिए, ध्यान में देखिए। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर ए बी डी डी जी के
HMS, MTB और SBL। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने देख ली और अब हम देखते हैं कि पहले कहाँ पे रिपीट हुई है। अब ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर, इसमें ही यही क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए ABD, DGK, HMS और आगे है MTB। दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको एक बार फिर से मैं ये दिखा देता हूं, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ABD, DGK, HMS, MTV और इसमें जो है एक्स्ट्रा दोस्तों SBL दिया हुआ है। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर SBL नहीं दिया हुआ था, अगली सीरीज इन्होंने पूछी हुई थी। तो अगली सीरीज क्या है दोस्तों, SBL है। तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसमें नवंबर 2017 के अंदर यहाँ पे MTV तक दिया था, लेकिन जुलाई 2018 में इन्होंने एक और सीरीज आगे दे दी और इस सीरीज से अगली सीरीज इन्होंने पूछ ली। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। और दोस्तों हमने इसके अलावा भी काफ़ी तरह की वीडियो बना रखी है, जैसे कि टीचिंग से, रिसर्च से और कम्युनिकेशन वगैरह से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आज तक बिल्कुल डिट्टो कॉपी। तो वो वीडियो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ओल्ड पेपर करते हो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और उन्हें एनालाइज करते हो, देखते हो कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम नेट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप बार बार इन क्वेश्चन को करते हो तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया था, तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। दोस्तों इसमें इस तरह से सीरीज दी हुई होती है और हमें देखना है कि अगली सीरीज क्या आएगी। दोस्तों इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो डिजिट दी हुई है यहाँ पे, ये इस तरह से आप लिख लीजिए सभी की सभी। और आप क्या करिए दोस्तों, जो लास्ट के दो अक्षर है जैसे बी और डी इसने दिया हुआ है, इनकी नंबरिंग लिखिए। और आप ना पहले से स्टार्ट मत कीजिए, फर्स्ट से स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि फर्स्ट से जो एग्ज़ामिनर है वो हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम लास्ट के जो दो डिजिट है उनसे शुरुआत करते हैं। अब देखिए सभी की जो बीच की और लास्ट की जो डिजिट है उनके अक्षर वो अंक हम लिख लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी 2 पे आता है, कल मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से है ये। जी अपना 7 पे आता है, फिर एम 13 पे आता है, टी 20 पे आता है और बी फिर 2 पे आता है। ठीक है, इस तरह से हमने बीच की लिख ली। उसके बाद में लास्ट का जो अक्षर है उसकी लिख लेंगे हम, जैसे कि डी हमारा 4 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, बी फिर हमारा 2 पे आता है और एल हमारा फिर 12 पे आता है। अब देखिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, अभी देखिए जो बीच के दोनों अक्षर है इनके अंदर देखिए डिफरेंस कितने का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस 5 का है, फिर आगे देखते हैं इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, आगे इसमें 6 का है, फिर आगे देखते हैं आगे इसमें 7 का है और फिर इन दोनों में 8 का डिफरेंस है। इस तरह से हमें इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि बीच बीच के जो अक्षर है उनमें कितना डिफरेंस है, यहाँ से हमें पता चल रहा है, यानी कि 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और आगे जो अक्षर आएगा दोस्तों अल्फ़ाबेट आएगा उसके अंदर डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 9 का डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से अब हम नीचे देखते हैं, यानी कि लास्ट का जो अक्षर है डी और के अंदर देखते हैं, डी हमारा 4 पे होता है, के हमारा 11 पे, इस तरह से हमने लिख लिया ये। तो इन दोनों में देखते हैं तो 7 का डिफरेंस है और फिर के और एस के अंदर देखते हैं 8 का है, फिर एस और बी के अंदर 9 का है और फिर बी और एल के अंदर दोस्तों 10 का अंतर है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अगला जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 11 का अंतर आएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो
बी है इसमें प्लस नो करेंगे, बी और यानी कि बी में नो जोड़ेंगे, बी अपना दो पे होता है और नो जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 यानी कि के, यानी कि हमारा बीच का जो अक्षर होगा वो क्या होगा दोस्तों, बीच का हो जाएगा अपना के। और लास्ट का क्या होगा, लास्ट का देखते हैं हम, ये देखिए लास्ट का यहाँ पे एल है, एल 12 पे है और डिफरेंस आगे कितने का होना चाहिए, 11 का होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं 7, 8, 9, 10 और आगे कितना होना चाहिए, 11 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 12 के अंदर जब हम 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हमारा हो जाएगा। और 23 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, आपको पता है हमारा आता है डब्लू आता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं दोस्तों आपकी, हमारा जो आंसर आया है के और डब्लू आया है लास्ट के अंदर, के डब्लू केवल और केवल इसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों ये भी हमारा जुलाई के अंदर आया था, इसे हम किस तरह से करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों एक कोड दे देते हैं, वो कहते हैं कि इस कोड को इस तरह से यानी कि इस तरह से लिखते हैं। तो इस कोड को कोलकाता को हम कैसे लिखेंगे, अब ये देखिए दोस्तों जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि वाराणसी को हम इस तरह से लिखते हैं तो कोलकाता को हम किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वाराणसी और ये जो है डिजिट इन दोनों को हम इस तरह से लिख लेंगे और फिर उनकी हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देने के बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। ये देखिए इन सभी की हमने यहाँ पे देखिए हमने इन सभी की नंबरिंग दे दी है और नंबरिंग के बारे में मैंने कल वीडियो डाली थी, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से हमें नंबर याद रखने हैं। और आगे फिर नीचे भी हमने दे दी है। तो अब इनमें हम डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस 1 का है, फिर आगे 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का, फिर 6 का, 7 का, 8 का। तो आगे जो यानी कि आगे हमें जो डिजिट बनानी है आगे, तो वो कैसे बनेगी दोस्तों, उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि कोलकाता के अंदर हम क्या करेंगे, के अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, के कितने पे होता है अपना, 11 पे होता है और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 नंबर पे अपना क्या आता है, एल आता है। और एल से दोस्तों हमारे कौन कौन से ऑप्शन बन रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर 4 और एक ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारे ये जो दोनों है ये यहाँ से कट हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे दोस्तों आप क्या कीजिए कि लास्ट के 3 अक्षर ले लीजिए और उनका निकालिए, ठीक है। ये जो लास्ट के ए टी है इन तीनों को ले लीजिए और निकाल के देखिए, और देखिए लास्ट में 3 किसके अंदर मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों आसानी से जल्द क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हमें सभी के सभी डिजिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी 4 या 5 निकाल के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा क्वेश्चन है। और आगे देखिए दोस्तों ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान ही होते हैं, लेकिन कई बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। अब इसमें देखिए दोस्तों हमारे पास कोवलेंट दिया है और इसका जो कोड दिया है इन्होंने ये दिया है और आगे हमें एलिफेंट का बताना है। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कोवलेंट है, सबसे पहले अपना जो कोवलेंट है और ये जो कोड है ये दोनों हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। और उसके बाद में वही दोस्तों करेंगे कि हम इसमें नंबरिंग देंगे, सभी की सभी नंबरिंग देंगे यहाँ इस तरह से और नीचे भी इस तरह से हम नंबरिंग देंगे इनको, और फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या मैच हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे सी है तो सी का फिर ये डी कहाँ पे जाके आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और ये जो ए है, ए का यहाँ पे बी आ रहा है, और ये 15 का फिर 16 यहाँ पे आ रहा है, 22 का 23 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आपको दोस्तों थोड़ा उसके अंदर देखना है, एनालाइज करना है कि कहाँ पे क्या मैच हो रहा है, क्या हमारी सेटिंग बन रही है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे ये।
ये देखिए दोस्तों, इन सभी में एक एक प्लस किया हुआ है, सी के बाद में डी यहाँ पे आ गया, ओ के बाद में हमारा पी यहाँ पे आ गया, वी के बाद में हमारा डब्ल्यू यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्लस एक किया हुआ है सभी में, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो इन्होंने चेंज कर दी है थोड़ी सी। तो ये हमें देखना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा अक्षर आ रहा है, तो इस तरह से हमें ये करना है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल को इस तरह से लिखते हैं तो बायोलॉजिकल को किस तरह से लिखेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा, बस इसके अंदर क्या है कि जो ए, ए, इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, जो अक्षर की जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस कहाँ पे आ रहा है, एच कहाँ पे आ रहा है, ओ कहाँ पे लिख रहे हैं, ये आई कहाँ पे लिख रहे हैं, टी कहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये सारे के सारे पोजीशन आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों वही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप कोशिश करके देखिए, ट्राई करके देखिए, जब बार बार आप क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। NTA UGC NET यानी NIMS NET, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स, ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोस, 2012 से लेकर 2020 तक ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विद आंसर की, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वीडियोस और नोट्स, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। देखिए दोस्तों जैसे आप ये देख सकते कि ये जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया है और आगे जैसे जुलाई 2016 में, जून 2015 में, तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप दिसंबर 2012 तक क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ए का कूट सी है, यानी कि ए को सी लिखा जाता है, एम को आई लिखा जाता है, एन को पी लिखा जाता है, तो इस तरीके से सभी शब्दों को दूसरे से रिप्लेस किया जाता है। तो कंपनी है, कंपनीज को हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी दोस्त क्या करेंगे कि एक एक चीज़ लिखेंगे कि जैसे ए को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, यहाँ पे एम को कहते हैं, आई कहते हैं, इस तरीके से सारे के सारे शब्द लिखेंगे। लेकिन दोस्तों हमें ऐसे नहीं करना है, हमें जल्द से जल्द ये क्वेश्चन किस तरह से करना है वो हमें आना चाहिए। देखिए हमारा जो तरीका है वो उस तरीके से आप देखने की कोशिश करिए और जिससे आपका बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे कि हम लास्ट के अंदर इसमें तीन चीज़ ले लेंगे, जैसे आई ई एस, ये तीन चीज़ ले लेते हैं और इन्हीं से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। पूरा कंपनी जो है, कंपनीज का जो कोड है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के अंदर देखिए आई ई एस ये ले लेते हैं, आई ई एस। अब देखिए आई को हम इसके अंदर किसके द्वारा लिखते हैं, आई का ए, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आई को ए से लिखते हैं। फिर है ई, ई को हम किससे लिखते हैं, ई का है एम, ई का क्या है दोस्तों एम है। और उसके बाद में एस, एस को किससे डिनोट किया जाता है, ये देखिए एस का है ओ, एस को किससे रिप्लेस किया जाता है ओ। तो अब हमें लास्ट में जो आई ई एस है इसकी जगह ए एम ओ कौन से ऑप्शन में है वो हमें देखना है। दोस्तों यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए एम ओ, यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, एक में, दो में, तीन में नहीं है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। और इसमें आपको पूरी की पूरी जो डिजिट है, यानी कि पूरा जो नाम लिखा हो उसका डिकोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट के तीन अक्षर कीजिए, वहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से 10 सेकेंड के अंदर ये आंसर निकाल सकते हैं। और आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं, उनमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए आगे इन्होंने कहा है कि सिलेक्शन जो शब्द है, सिलेक्शन को ये लिखा जाता है क्यू सी जे सी ए, यानी कि ये इन्होंने शब्द दिए हैं ये लिखा जाता है, तो अमेरिकन्स को किस तरह से लिखा जाएगा।
तो इसके अंदर भी दोस्तों हम क्या करेंगे कि लास्ट के चार अक्षर लेंगे, लेकिन नॉर्मली दोस्त क्या करते हैं वो शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी कि शुरू के जो अक्षर होते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। और वो क्या होगा दोस्तों, अगर आप शुरू से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम लास्ट से शुरू करते हैं क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से और जल्दी से हमारा क्वेश्चन निकल जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन है और ये जो है इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या रिलेशन हो सकता है। सबसे पहले हम जैसे लास्ट में ही लेते हैं टी आई ओ एन, ये ले लेते हैं और नीचे ये ले लेते हैं। ठीक है, एन को एल लिखा जाता है, ओ को एम लिखा जाता है। अब देखिए इन दोनों के अंदर रिलेशन देखते हैं। अब देखिए एम जो एन है हमारा 14 पे आता है दोस्तों, और एल है वो आता है हमारा 12 पे आता है, फिर ओ है ओ आता है हमारा 15 पे आता है, और एम जो है एम कितने पे आता है दोस्तों हमारा 13 पे आता है। ठीक है, और फिर आई जो है दोस्तों आई आता है हमारा 9 के ऊपर आता है, और जी है हमारा 7 के ऊपर आता है। अब देखिए दोस्तों इनके अंदर आप एक चीज देखिए, ये 14 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 13 है, तो ये दो दो कम होते हुए जा रहे हैं। ऊपर की जो डिजिट है दोस्तों उनमें से दो नंबर कम करके नीचे वाला लिखा गया है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये है टी, है टी हमारा कितने पे होता है दोस्तों, टी 20 यानी कि मैंने बताया था 20 पे होता है टी, और नीचे है आर, आर कितना है 18 पे, यानी कि दो नंबर कम कर दिए ना, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि दो दो कम हो रहे हैं। तो यही काम हम इसमें करेंगे दोस्तों, सी ए एन एस। अब देखिए जो एस है, एस कितने पे होता है दोस्तों, एस होता है हमारा 19 के ऊपर होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए 19 हो गया, और जो एन है एन होता है हमारा 14 के ऊपर होता है, ए जो है ए होता है हमारा 1, और सी जो होता है वो होता है हमारा 3। अब इनमें से दो दो कम कर दीजिए, अब 19 में से दो कम करेंगे 17, और 17 पे क्या आता है हमारा दोस्तों, 17 पे आता है हमारा क्यू आता है, फिर है एन यानी कि 14, 14 में से दो कम करेंगे 12 आएगा, 12 पे क्या अक्षर आता है हमारा एल आता है, ये मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आता है दोस्तों जैसे हमारे पास ए, ए में से हम दो कम करेंगे तो एक तो ए कम हो गया और एक जेड कम हो गया, तो क्या आएगा दो कम करने पे हमारे यहाँ पे वाई आएगा। फिर है सी, सी में से जब हम दो कम करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ए। तो अब हमें ये देख लेना दोस्तों लास्ट के जो 4 डिजिट है ए वाई एल क्यू, इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा ए वाई एल क्यू यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर लास्ट के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों केवल और केवल हम ये 4 यूनिट निकाल के 4 जो अक्षर है इनको डी कोड करके हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें पूरी की पूरी ए एम ई आर आई, ये पूरे की पूरी जो अक्षर है उनको डी कोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हर क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से करना है हमें, बिल्कुल आसान है। और जो लोग सोचते हैं कि रीजनिंग है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, हमारे समझ में नहीं आती, तो दोस्तों ये हमारे अंदर एक गलत फहमी भर जाती है, तो उसको आज तोड़िए। अब देखिए अब आया हमारा ये अगला क्वेश्चन, इसके अंदर मथुरा को इस तरीके से लिखा जाता है, तो होटल्स को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे दोस्तों, इन दोनों के अंदर रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या है इनके अंदर। देखिए जैसे एक मिनट, देखिए ए है, ए हमारा होता है 1 पे होता है, ठीक है, और जो एक्स है, एक्स कितने पे होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड, यानी कि जो जेड होता है 26 पे होता है, वाई एक्स वाई जेड यानी कि 24 25 26, यानी कि ये होता है 24 पे होता है हमारा, और जो आर है, आर होता है हमारा 18 पे होता है दोस्तों, और जो ओ होता है वो होता है हमारा 15 पे होता है। तो इस तरह से कर सकते हैं, यू जो होता है हमारा वो 21 पे होता है, 21, और जो आर उसके बाद है आर, आर होता है हमारा 18 पे होता है। तो अब इन सभी में देखिए दोस्तों कितने कितने का डिफरेंस है, अब इनके अंदर देखते हैं हम कितने का डिफरेंस है। जैसे ए हमने देखा था, ए है हमारा 1, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, ए है हमारा 1 पे, और जो एक्स है वो 24 पे, तो इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है दोस्तों, इन दोनों के अंदर हमारा 3 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा 3 का डिफरेंस है। फिर 18 और 15 के अंदर ये देखिए, इन दोनों के अंदर कितने का 3 का डिफरेंस है, और फिर ये देखिए 21 और 18 के अंदर भी हमारा
तीन का डिफरेंस है, यानी कि तीन तीन डिफरेंस है। और ये जो तीन है दोस्तों ऊपर से माइनस हो रहा है नीचे की तरफ, ऊपर जो है उनमें से तीन अगर जो तीन नंबर है वो कम करके नीचे डिजिट लिखी गई है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे 18 था, आर था, 18 में से तीन गए 15, 15 का आ गया हमारे पास ओ आ गया। तो इसी तरीके से हमारा जो होटल है उसके अंदर करना है, ठीक है। तो अब होटल में करके देखते हैं, और होटल में भी हम क्या करेंगे, लास्ट की तीन डिजिट लेंगे। अब देखिए होटल की तीन डिजिट ले ली ELS, अब ELS में तीन 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 कम करते हैं। अब देखिए एस जो है, एस हमारा कितने में होता है दोस्तों, एस होता है हमारा 19 पे होता है, सॉरी एस होता है हमारा 19 पे होता है, 19 पे हम जब तीन कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, तो 16 पे क्या होता है हमारे पास पी होता है। फिर आ गया एल, एल कितने पे होता है, एल होता है हमारा 12, 12 में से जब हम तीन कम करेंगे तो 9, और 9 क्या होता है दोस्तों, 9 होता है हमारे पास आई। अब बात आती है ई, ई होता है हमारा 5 नंबर पे, 5 में से जब हम तीन कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 आएगा, 2 पे होता है दोस्तों हमारे पास बी। अब देखिए बी आई पी, बी आई पी हमें देखना है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है लास्ट के अंदर, तो बी आई पी है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें देखा दोस्तों हमने पूरा जो होटल है पूरे होटल की डिजिट को डिकोड नहीं किया है, हमने हमने केवल लास्ट के तीन जो अक्षर हैं उनको डिकोड किया है, वहीं से हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से और बहुत ही जल्द क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम आगे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रीमर्स। अब स्ट्रीमर्स का कूट इन्होंने ये दिया है, तो नॉलेज का क्या होगा वो हमें देखना है। अब देखिए इसके अंदर हम वही चीज़ करके देखते हैं कि लास्ट के अंदर तीन डिजिट ले लेते हैं, पूरा शुरू से नहीं करेंगे, लास्ट के अंदर तीन डिजिट लेके देखते हैं। अब देखिए लास्ट के अंदर हमने ये तीन डिजिट ले ली, ERS ले लिया। अब देखिए जो S है हमारा 19 पे दोस्तों, ये मैं लिख लेता हूँ, S है हमारा 19 पे, R जो है दोस्तों R है हमारा 18 पे है, 18, और जो E है दोस्तों E हमारा कितने पे आता है, E आता है 5 पे आता है, ठीक है। और अब नीचे देखते दोस्तों यहाँ पे, अब देखिए R जो है, R है हमारा 18 पे, और जो Q है हमारा 17 पे, D है हमारा 4 पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 19, 18, 18, 17, 5, 4, यहाँ से अब हमें पता चल गया ना कि ऊपर जो डिजिट है उसमें से एक माइनस करके नीचे डिजिट लिखी गई है, तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से पता चल गया। तो हमें इसमें भी क्या करना है दोस्तों, ऊपर जो डिजिट है उनमें से एक एक माइनस करके नीचे लिखना है। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि हमें सभी अक्षर पता होना चाहिए कि K कितने पे है, N कितने पे, O कितने पे, D कितने पे, G कितने पे आता है ABCD के अंदर, ठीक है। तो इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उसके अंदर आप केवल और केवल 5 सेकंड के अंदर बता सकते हैं W कितने पे, O कितने पे है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं अल्फाबेटिकल रीजनिंग। अब देखिए अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, जैसे लास्ट के तीन अक्षर लेते हैं DGE, और ऊपर हमने देखा कि एक एक माइनस होता हुआ आ रहा था ऊपर से, तो ई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ई कितने पे, ई होता है दोस्तों हमारा 5 नंबर पे, फिर है जी, जी होता है हमारा 7 नंबर पे, फिर है डी, डी होता है हमारा 4 नंबर पे। अब एक एक कम करते हैं, 5 में से एक कम किया 4, 4 पे होता है हमारे पास दोस्तों डी। अब देखिए जी, जी है 7, 7 में से हमने एक कम किया तो 6, 6 पे क्या होता है दोस्तों हमारे पास वो होता है F होता है, 6 पे होता है हमारे पास F। फिर है D, D है 4, 4 में से जब हम एक कम करेंगे 3, 3 होता है दोस्तों C पे, ठीक है। अब CFD देखना है दोस्तों हमें यहाँ पे किसके अंदर है, तो ये देखिए CFD लास्ट के अंदर, इसके अंदर है CFD, तो ये जो B इसका आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से बिल्कुल आसानी से, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसानी से बहुत ही जल्द क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बाद भी कई क्वेश्चन आए हैं, देखिए ये जून 2014 के अंदर क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आप चाहे तो दोस्तों यहाँ से नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए और आप करके देखना दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन के आंसर निकाल के देखना, आंसर वैसे साथ के साथ दिए हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे दोस्तों ये है सितंबर 2013 का
है, और इसका क्वेश्चन आप सभी बताना दोस्तों क्या इसका आंसर आएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना कुछ क्या सीख रहे हैं। सितंबर 2013 का इसका आंसर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ये सभी के सभी दोस्त अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना और मुझे बताना कि क्या इसका राइट आंसर आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं। और इसके बाद भी और भी कई क्वेश्चन है, जैसे दिसंबर 2013 में आया है, यहाँ पर ये हमने आंसर भी दिया हुआ है, तो आप ये चेक करना कि क्या इसका आंसर यही होगा या नहीं होगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों करवाने को मैं करवा सकता हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने करीब 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ दिए हैं, ये आप करके देखना। और इन क्वेश्चन में आप आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। NTU UGC Net यानी निमिज नेट ऐप, कंप्लीट स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बड़ी आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज शुरू करने वाले हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हमें इसके कुछ बेसिक पैटर्न है वो हमें पता होना चाहिए, कुछ बेसिक टिप्स है वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता चल जाते तो हम बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और UGC नेट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल आसानी से सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बेसिक पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज। देखिए हमारे क्वेश्चन पेपर में काफ़ी तरह के नंबर सीरीज आते हैं, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। आपने देखा होगा कि किसी के अंदर बढ़ते क्रम में होता है, किसी के अंदर घटते क्रम में होता है, और किसी के अंदर मिक्स नंबर दिए हुए होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। तो हम एक एक स्टेप देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए जो सबसे पहली जो नंबर सीरीज है दोस्तों, वो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर की सीरीज आ सकती है। प्राइम नंबर के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो केवल और केवल खुद से भाग होता हो और या फिर एक से डिवाइड होता हो, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1, 1, 2, 3, 5, 7, ये देखना आप, ये एक तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं और दूसरा एक से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगला जो नंबर आएगा दोस्तों वो हमारा क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, फिर क्या आएगा दोस्तों, 11 आएगा।
11, ना कि 9, 9 नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यानी कि इस तरह का नंबर जो केवल और केवल खुद से और 1 से डिवाइड होता है, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। और इसमें दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं, जैसे 11, 13, 17, 19, ये केवल और केवल खुद से डिवाइड हो रहे और 1 से हो रहे, इसके अलावा किसी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो इस तरह की नंबर सीरीज हमें काफ़ी बार देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली नंबर सीरीज आती है, इसके अंदर होता है पैटर्न ऑफ डिफरेंस। इसके अंदर क्या होता है कि पैटर्न, उसके अंदर इस तरह का पैटर्न दिया हुआ होता है कि सभी के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे कि इसके अंदर हम देखते दोस्तों हम 2 और 5 के अंदर 3 का डिफरेंस है, आगे फिर 5 और 10 के अंदर 5 का है, फिर 10 और 17 के अंदर दोस्तों 7 का है, और फिर 17 और 26 के अंदर दोस्तों 9 का है। तो आगे हमारा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2-2 का है। तीन देखिए दोस्तों, 3, 5, 7, 9, इनके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है। तो जब हम 9 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो 11 है दोस्तों, ये 11 हमें 26 के अंदर ऐड करना है, और 26 के अंदर जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 37 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसके अंदर पैटर्न होता है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। और ये दोस्तों यहाँ पे माइनस के अंदर भी हो सकता है, यानी कि शुरू के अंदर 26, फिर 17, फिर 10, इस तरह से भी ये पैटर्न हो सकता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास स्क्वेयर और क्यूब। स्क्वेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी नंबर की पावर 2, ठीक, और किसी भी नंबर की पावर जब 3 होती है तो उसे हम क्यूब कहते हैं। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, उसके अंदर देखते हैं कि इसमें दिया 1, 4, 9, 16, 25। इसके अंदर आप देखना कि 1 जो है वो 1 की पावर 1 हो गया, फिर आगे है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, फिर 4 की पावर 2। अब इसमें देखिए दोस्तों, 1 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 9, 4 की पावर 16, और 5 की पावर 25, 6 की पावर 36 हो गया। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है खाली, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा हमारा 7 की पावर 2, यानी कि 77, 49। यानी कि यहाँ पे हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 की पावर होती हुई जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 की पावर यहाँ पे आ जाएगा, 77, 49 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, आगे जो ये जो हमारा एग्जांपल है, इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर आप ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या है कि 1 है, 1 की पावर इन्होंने 3 दे दी, फिर है 2 की पावर 3 दे दी, और फिर है 3 की पावर 3 दे दी। अब ये सभी हम करके देखते हैं दोस्तों, 4 की पावर 3। अब देखिए 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, फिर 3 की पावर 3 क्या कितना होता है, 27 होता है, फिर 4 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, और फिर इसने ये जो 125 है, 5 की पावर 3 दोस्तों, ये 125 हो जाएगा। और यहाँ पे आगे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 6 की पावर 3 आएगा। 6 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 216 इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे इसका 216 आंसर आएगा। तो इस तरह से भी हमें देखना है। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर पावर करनी है या प्लस करना है या क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है दोस्तों, ये जो नंबर सीरीज हमें दी हुई है, ये हमें ये देखना कि ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है या घट रही है, क्या हो रहा है। अब इन दोनों में आप देख लेना दोस्तों, ये कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जा रही है, कोई भी नंबर पिछले नंबर से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। जब ये देखिए यहाँ पर बढ़ता हो जा रहा है, 1, 4, 9, 16, 25, 36 और फिर 64 है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्लस हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर इसका स्केयर या क्यूब हो रहा है, इन चार चीज़ों में से एक चीज़ होगी, या तो प्लस होगा इनके अंदर या फिर मल्टीप्लाई गुना होगा किसी नंबर से, या फिर इसका स्केयर होगा या फिर इसका क्यूब होगा, ये चीज़ हमें देखना है इसके अंदर। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से है पैटर्न। अब देखिए पैटर्न इन अल्टरनेट नंबर, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि पीछे हमने जो देखा था जो पैटर्न है वो नेक्स्ट नंबर से ही जुड़ता हुआ जा रहा है इस तरीके से, लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पैटर्न इन अल्टरनेट नंबर यानी कि एक नंबर का तीसरे नंबर से जो रिश्ता हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या है कि जो हमारे नंबर है वो बढ़ नहीं रहे, ये देखिए इसके अंदर
यहाँ से 2 से 9 हो गया, 9 से फिर 5 हो गया, यानी कि पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हो गया फिर प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया और फिर माइनस हो गया, यानी कि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, प्लस माइनस इस तरीके से चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक नंबर का 3 नंबर से रिलेशन देखना है क्या है। अब देखिए इसके अंदर हम करके देखते हैं, 2 और 5 के अंदर डिफरेंस देखिए दोस्तों कितने का है, 3 का है, और फिर 5 और 8 के अंदर देखिए 3 का है, और फिर 8 और 11 के अंदर देखिए 3 का है, ठीक है। तो अब जो अगला जो नंबर आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये एक नंबर छोड़ देते तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, वो आया 11 के अंदर 3 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 14, यानी कि 14 इसका नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला पैटर्न आता है दोस्तों हमारे पास ओड वन। ओड वन के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक नंबर हमें गलत दिया हुआ होता है, वो हमें पहचानना होता है कि कौन सा नंबर इन्होंने गलत दिया है। जैसे कि यहाँ पे इसमें एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आप देखो 3, 5, 11, 17, 21। अब ये देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, इसके अंदर देखो दोस्तों क्या डिफरेंस हो सकता है। इसके अंदर एक तो हमारा 14 जो नंबर है ये 2 7 14 से डिवाइड हो रहा है, और एक हमारा 21। इन दो नंबर को छोड़ के देखिए दोस्तों, एक तो 14 को एक 21 को हम छोड़ देते हैं, तो और जितने भी नंबर है जैसे 3, 5, 11, 17, ये केवल और केवल अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं, जो मैंने प्राइम नंबर की बात की थी आपसे सबसे पहले जो बात की थी। तो इन दो नंबर को छोड़ के और जितने भी नंबर है वो हमारे प्राइम नंबर है और ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमें कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। आगे दोस्तों हमारे पास पैटर्न इन एडजेसेंट नंबर, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों हम देखते हैं। देखिए अब इसमें एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, देखिए इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ कि पहले 3, 6, 18, 72 दिया है, तो इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 और 6 के अंदर क्या रिलेशन है, 3 गुना में 2 यानी कि 6 आ गया, फिर क्या है 6 का 18 आ रहा है तो इसका क्या आएगा 6 * 3 = 18 आ गया, फिर है दोस्तों हमारे पास 18 और यहाँ पे कितना है 72, 18 * 72। यहाँ पे देखिए दोस्तों पहले 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 4 से गुना, जो पिछले वाला है उस पिछले वाला जो नंबर है उसको 2 से 3 से 4 से इस तरह से मल्टीप्लाई होता हुआ आ रहा है। तो अब हमारा यहाँ पे जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 72 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा वो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये उलझी हुई थोड़ी सी सीरीज हो सकती है। अब इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं डिफरेंस कितना है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है हमारा 1 का, फिर 5 और 7 के अंदर है दोस्तों 2 का, फिर 7 और 10 के अंदर है 3 का, फिर 10 और 14 के अंदर है दोस्तों 4 का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगला क्या डिफरेंस होगा दोस्तों, वो हमारा होगा 5 का, यानी कि 14 के अंदर जब हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो इसकी जो नेक्स्ट सीरीज होगी दोस्तों वो हमारी होगी 19 होगी। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास यूजिंग 2 और मोर बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन। अब देखिए कई सीरीज ऐसी हो सकती है जिसके अंदर 1 या 1 से ज़्यादा 2 फंक्शन भी उसके अंदर लग सकते हैं। अब देखिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, यहां पे सबसे पहले देखिए 3 और 5 के अंदर कितने का डिफरेंस है दोस्तों, यहां पे 2 का डिफरेंस है, और फिर यहां पे देखिए 5 और 10 के अंदर कितने का है 5 का है, फिर 10 और 2 के अंदर है दोस्तों 2 का, ठीक है, और फिर 12 और 24 के अंदर है दोस्तों 12 का। तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छा पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा कि क्या पैटर्न बन रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इसमें एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए इन दोनों नंबर के अंदर कितने का है 2 का डिफरेंस है, फिर इन दोनों के अंदर कितने का दोस्तों 2 का डिफरेंस है। तो आगे जो हमारी सीरीज आएगी उसके अंदर भी 2 का डिफरेंस होगा, तो अगली जो सीरीज होगी दोस्तों उसके अंदर क्या होगा 24 + 2 यानी कि 26। यहाँ पे अगर हम 26 लिख देते, देखिए जैसे यहाँ पे हमने 26 लिख दिया, अब देखिए दोस्तों इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस हो गया, और इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से ये जो हमारी सीरीज है पूरी तरह से बन रही है।
दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कई दोस्त ये सोच सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये तो बहुत आसान आसान पैटर्न है। तो यूजीसी नेट के अंदर जो पैटर्न आते हैं दोस्तों वो आसान पैटर्न आते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल या कठिन पैटर्न नहीं आते। इसके अलावा भी कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं, मुझे पता है अनेक अन्य एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बेसिक करने की ज़रूरत है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTUGCNET यानी निमिज नेट ऐप, कंप्लीट स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम नंबर सीरीज़ के अंदर 2012 से लेकर 2019 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम करने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह की नंबर सीरीज पैटर्न यूज हुआ है, क्या ट्रिक यूज हुई है और किस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसमें इस वीडियो में आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि UGC नेट में किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2015 के अंदर आया है। कल जो हमने पैटर्न किया था उसमें से देखते हैं इनमें से कौन सा पैटर्न लगता है। देखिए यहाँ पे इसने दिया है कि 2, 5, फिर 10, फिर 17, फिर 26, फिर 37। तो मैंने कल आपको कई पैटर्न बताए थे, तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि ये बढ़ते क्रम में या चढ़ते क्रम में है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी के सभी जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं, 2 से 5 हो रहा है, 5 से 10, 10 से 17। अब सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि इन सभी में डिफरेंस कितने का है। ये देखिए 2 और 5 के अंदर डिफरेंस है दोस्तों 3 का, फिर 5 और 10 के अंदर है दोस्तों 5 का, फिर है 7 का और फिर है कितने का है 9 का है, और फिर कितने का डिफरेंस दोस्तों 11 का है। इस तरीके से इन सभी में आप डिफरेंस देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये जो है इनके अंदर भी फिर डिफरेंस दिया हुआ है, इनके अंदर 2-2 का डिफरेंस दिया है, देखिए 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे जो अगला जो हमारी डिजिट आएगी यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा 13 आएगा, और ये 13 दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है, 37 के अंदर हमें ऐड करना है। जब 37 के अंदर 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास आएगा 50, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा जुलाई 2016 के अंदर आया था। अब इसके अंदर देखिए इसके अंदर ये दिया है 3, 11, 23, 39। अब इनमें भी ये देखिए इनमें भी बढ़ते क्रम में है, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले हम इनके अंदर डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं कि कितना कितना डिफरेंस है। अब 3 और 11 के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, और फिर 11 और 23 के अंदर है 12 का, और 23 और 39 के अंदर है दोस्तों 16 का, और 39 और 59 के अंदर है दोस्तों हमारा 20 का अंतर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अंतर आया है वो हमारा 8, 12, 16, 20, और इनके अंदर देखिए दोस्तों इनके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, इनके अंदर 4-4 का डिफरेंस है, 8, 12, 16, 20। तो यहाँ पे जो 20 के बाद आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 24 आएगा, और ये 24 दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है 59 के अंदर। जब हम 59 के अंदर 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों,
73 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन ना आए, मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं यूजीसी नेट के अंदर, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अब ये देखिए जून 2012 के अंदर क्वेश्चन पेपर आया था, और इसके अंदर देखिए इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन होगा। इसके अंदर हम देखें तो इसमें भी जो ऑर्डर है वो बढ़ते क्रम में है, 2, 6, 12, 20, 30 इस तरह के से इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। 2 और 6 के अंदर देखते हैं कितना है, 2 और 6 के अंदर दोस्तों 4 का डिफरेंस है, फिर 6 और 12 के अंदर है दोस्तों 6 का है, फिर 12 और 20 के अंदर है दोस्तों 8 का है, फिर 20 और 30 के अंदर है दोस्तों 10 का है, फिर यहाँ पे है 12 का, और फिर है यहाँ पे दोस्तों कितने का, 14 का। तो यहाँ से देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो अगला जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो कितना होगा, 16 का डिफरेंस होगा, और 16 को जब हम 56 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 72 इसका आंसर आएगा। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना, आप एक बार देखिए ये जो मैंने किया है, सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखिए, 2 और 6 के अंदर 4 का, 6 और 12 के अंदर 6 का है, 12 और 20 के अंदर 8 का है, 20 और 30 के अंदर 10 का है, 30 और 42 के अंदर 12 का है। तो इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 का है, और तो इस तरह से जब 16 को हम 56 में ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 72। तो यहाँ पे जो 72 इसका आंसर है, सी आंसर इसका दिया हुआ है। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन आया दिसंबर 2012 के अंदर। अब इसमें हम करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं, कितना डिफरेंस है जो हम बेसिकली करते हैं। देखिए 0 और 6 के अंदर है दोस्तों 6 का हमारे पास डिफरेंस है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 का। 6 और 24 के अंदर जो डिफरेंस है दोस्तों वो है हमारा 18 का। 24 और 60 के अंदर है दोस्तों वो है हमारा 36 का, और फिर 60 और 120 है के अंदर है दोस्तों 60 का अंतर है। तो यहाँ से हमारा कुछ सही से पैटर्न नहीं बन रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या आगे प्लस होना चाहिए क्या माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सही से पैटर्न नहीं बन रहा। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं दोस्तों, जब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें क्यूब देखना है या स्केयर देखना है, तो वो हम देखते कि क्या ये उसके नज़दीक है या नहीं है। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए 0 का स्केयर या क्यूब करोगे तो वो तो उतना ही रहेगा। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हम सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, 0, 6, 24, 60 और फिर हमने लिख लिया 120। अब देखिए इसके अंदर हम जब क्यूब करते हैं तो ये देखिए ये किसके क्यूब के इक्वल टू है, 2 का क्यूब करते तो 8 आता है दोस्तों, 2 की पावर 3 करते हैं जब 8 आ गया, और जब इसको ये किसकी पावर के इक्वल है दोस्तों आप सोच के देखिए, ये जब हम 3 की पावर करते तो 27, तो ये कहीं ना कहीं 27 के करीब है, उसके इक्वल नहीं है लेकिन करीब है। फिर बात आती है हमारे पास 60, अब देख किसके क्यूब के इक्वल टू है, ये देखिए जब हम 4 का क्यूब करते तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो कहीं ना कहीं ये क्यूब के पास में जा रहा है। तो उनमें हम देखते कि क्या हो सकता है, ये देखिए हमने 0 का क्यूब किया और इसमें से मान लो 0 ही हमने घटा दिया तो ये आ गया हमारे पास 0, फिर यहाँ पे 6 है तो 6 का हम करेंगे जैसे कि 2 का क्यूब किया हमने 8 आ गया, 8 में से हमने कितना घटा दिया दोस्तों, हमने घटा दिया 2, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। इसी तरीके से आगे है हमारे पास 24 है तो 3 का हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना आ गया दोस्तों 27 आ गया, 27 में से हमने कितना माइनस कर दिया 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 60 है तो 60 का हम यहाँ पे कर लेते हैं 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है, जिसको क्यूब नहीं पता है दोस्तों क्यूब का मतलब ये होता है जैसे 4 का क्यूब 4 गुना 4 गुना 4 यानी कि 3 बार गुना करना किसी भी चीज़ को, तो 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64, 64 में से हमने 4 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 60 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से जो ये 120 है, 120 में दोस्तों हम क्या करेंगे,
5 का क्यूब करेंगे 125, 125 में जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। तो अगली जो है दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है हमें 6 का क्यूब करना है, 6 का क्यूब और माइनस कितना करना है, 6 माइनस करना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, वो होता है शायद हमारा 216, हाँ 216 होता है। 216 के अंदर जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या आएगा, वो हमारा 210 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। हाँ थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन की तो आपको आने लग जाएंगे, जल्दी जल्दी आप करने लग जाएंगे क्वेश्चन। और अगर किसी दोस्त को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो दोबारा भी देखना, उससे भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देख तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों हमारे पास जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर देखिए दोस्तों इसके अंदर हमारे पास 40 का 120 है, फिर 60 है, फिर 180 है, फिर 90 है। अब देखिए इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हमें देखना है कि सीक्वेंस सही है या गलत है। अब इसमें देखिए सबसे पहले बढ़ गया, 40 से 120 हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, प्लस माइनस इस तरह से चल रहा है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो शुरू में ही आपको क्ल्यू मिल रहा है। अब देखिए 40 गुना 3 कितना होता है, 120 होता है, यानी कि 4 तीय 12 120, और फिर देखिए 6 तीय 18 यानी कि 60 तीय 180 हो गया। तो 9 देखिए यहाँ पे क्या है, जो 120 है दोस्तों वो 40, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 40 गुना में 3 कर दिया हमने, फिर 60 गुना में 3 कर दिया हमने। अब देखिए दोस्तों 40 गुना में 3 कर दिया हमने, कितना आ गया, 120 आ गया, फिर 60 गुना में 3 कर दिया, 180 आ गया। तो फिर आगे क्या होगा दोस्तों, 90 गुना में 3 होगा हमारे पास, तो 9 तिया 27 यानी कि 270 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो 40 को 3 से गुना किया है, 60 को हमने 3 से गुना किया है, और फिर 90 को हम 3 से गुना करेंगे। तो इस तरीके से मैंने कॉम्प्लेक्स भी एक सीरीज बताई थी, उसके अंदर भाई उलझा पुलझा हो सकता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, हर बार प्लस ही नहीं होगा, उनके अंदर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भाग कुछ भी हो सकता है, उनके अंदर हमें देखने की आवश्यकता है। और उनके अंदर एक जो टर्म है छोड़ के दूसरे टर्म से भी रिलेशन हो सकता है, तो ये थोड़ा आप देखने की कोशिश करना। और बार बार कह रहा हूँ जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आपको आएगा। और अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये हमारा जून 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था, इसके अंदर 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 दिया है। अब देखिए इसके अंदर ये कह रहा कि इनमें से कौन सा आंकड़ा नहीं आता, कौन सी जो सीरीज़ है वो गलत है इनके अंदर, वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले वही करेंगे कि इनके अंदर डिफरेंस है वो देखेंगे दोस्तों। देखिए डिफरेंस हम देखते हैं, 4 और 5 के अंदर है दोस्तों 1 का, 5 और 8 के अंदर है दोस्तों 3 का, फिर है 8 और 13 के अंदर है दोस्तों 5 का, और फिर है दोस्तों हमारे पास 1 का, फिर है 3 का, और फिर है 17 और 22 के अंदर है दोस्तों हमारा 5 का। तो ये हमने डिफरेंस देखा है दोस्तों, आप कॉपी में लिख लेना चाहिए ये क्वेश्चन, कॉपी में करके देखोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इनके अंदर हमने 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये सीरीज़ हमारी चल रही है, तो आगे जो सीरीज़ होगी दोस्तों वो भी क्या होगी, हमें 22 के अंदर, देखिए 22 के अंदर पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 23 आ गया। 23 के अंदर दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, कितना आ गया, 26 आ गया। अब 26 के अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, 5 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना गया, 31 आ गया। ठीक है, तो ये कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा नहीं होगा वो हमें बताना है। अब देखिए 31 तो इसमें होगा, ये तो ठीक है। अब देखिए 31 तक की सीरीज आ गई, 31 के बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद भी हमें वही सीरीज अपनानी है, यानी कि देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 31 के बाद क्या करना है, 31 जमा में 1 करना है, तो कितना आ गया हमारे पास, 32 आ गया। 32 जमा में हमें क्या करना है, 3 करना है, तो ये कितना आ गया, 35 आ गया।
35 जमा में कितना करना है, 5 करना है, तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो इनके अंदर ये देखिए दोस्तों, हमारे पास 31 भी आ गया था, 32 भी आ गया था, 35 भी आ गया, लेकिन जो 33 है वो हमारे पास सीरीज नहीं आई, 33 जो नंबर है वो नहीं आया जो हमने क्वेश्चन किया है। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो हमारा होगा 33, इसका आंसर होगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिसंबर 2014 के अंदर आया था दोस्तों। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगला पद कौन सा होगा। अब देखिए 2, 7, 28, 64 और 126 दोस्तों, ये तो बिल्कुल आंखों के सामने ही है हमारा। देखिए अब चलिए इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये लिख दिया मैंने 2, 7, 28, फिर है 63, फिर है 126। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 63 है, 63 मतलब 64 के करीब है, 126 है, 125 के करीब है, 28 है वो 27 के करीब है, 7 है वो 8 के करीब है। यहाँ से क्या कुछ आया समझ में आपको, क्यूब चल रहा है दोस्तों, क्यूब क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए अगर हम यहाँ पे एक का क्यूब कर देते हैं और एक के क्यूब में एक ही ऐड कर दे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए 7 है तो 2 का क्यूब हमने कर दिया, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 होता है, 8 में से हम माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से 28 है, 28 का क्या होगा दोस्तों, 3 का क्यूब हम कर देते हैं, 3 की पावर 3 कर देते और प्लस में 1 कर देते तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 आ जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 9 9 3 27, 27 जमा में 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्यूब हो रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और फिर देखिए ये 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 64 में से हमने 1 माइनस कर दिया, यानी कि यहाँ तो 1 2 3 का हमारे पास क्यूब होता हुआ जा रहा है, यहाँ से क्यूब होता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे 1 + 1 - प्लस माइनस होता हुआ जा रहा है। तो हमें लास्ट में देखना है कि लास्ट में जो सीरीज है, जैसे हमारी 126 है, 126 देखिए, 126 किसका क्यूब होता है, 5 के क्यूब में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा 126 आता है। 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 125 होता है, 125 जमा में 1 कर दिया तो हमारे पास आ गया 126 आ गया। तो नेक्स्ट जो सीरीज आएगी वो क्या होगा दोस्तों, हमें 6 का क्यूब करना है, और अब बताइए 6 का क्यूब करने के बाद हमें इसमें प्लस करना है या माइनस करना है, यहां पे प्लस हुआ तो अगला क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस करने पे हमारे पास क्या आएगा, 6 का क्यूब होता है 216, सॉरी एक मिनट, 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216 माइनस में 1 तो कितना आ जाएगा, 215, और 215 इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आया है। इसके अंदर इन्होंने सीरीज दी है 2, 5, 9, 19, 37। अब इसमें हम करने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हो सकता है। ये देखिए 2, 5, 9, 19 और 37। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही हमें आइडिया सा लगने लग जाता है। अब देखिए इन दोनों के अंदर कितना रिलेशन है, इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर क्या है। ये देखिए 2 × 4 जमा में 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 × 4 जमा में 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब 9 कैसे हो सकता है, 5 × 10, 10 में से 1 माइनस कर दिया कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास 9 हो गया, 9 × 18 जमा में 1 19 हो गया। तो यहां से बिल्कुल हमारे पास साफ साफ नजर आ रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूं। देखिए 2 × 2 जमा में 1 जमा इक्वल टू हो गया 5, फिर अब 5 × 2 माइनस में 1 कितना हो गया, 9। फिर क्या है, 9 × 2 प्लस में 1 कितना हो गया हमारे पास, 19 हो गया। ये करके देखिए, 2 × 4 और 1 5, 5 × 10, 10 में से 1 गया 9, 9 × 18 जमा में 1 19 हो गया। इसी तरीके से 37 कैसे आएगा, 19 गुना में 2
19 दुनी 38 माइनस में 1 कितना हो गया 37 हो गया। तो अब देखिए अगला क्या आएगा, 37 गुना में 2 और प्लस में 1 तो कितना आएगा, ये आप देखिए ये हमारा आएगा 75। 37 गुना में 2 होता है 74 प्लस में 1 75 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं और आप करके देखना दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आप सभी ये कॉपी में लिखना इनकी स्टेटमेंट और करके देखना, और सॉल्यूशन मैंने आपको साथ के साथ दिए हुए हैं आप चेक करना, और फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास अगस्त 2016 का क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए इन्होंने दिया 1, 5, 13, 25, 41। अब इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा क्या हो सकता है। अब देखिए 1, 5, 13, 25 और फिर है 41। अब देखिए इनके अंदर सबसे पहले इनमें देखते हैं 1 और 5 के अंदर कितना डिफरेंस है दोस्तों, 4 का है। 5 और 13 के अंदर है दोस्तों 8 का है। 13 और 25 के अंदर कितना है दोस्तों, 12 का है। 25 और 41 के अंदर है दोस्तों 16 का अंतर है। तो अगला क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा 20 आएगा, 16 के बाद क्या आता है 20। 20 को जब हम 41 के अंदर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 61 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था, इसमें देखते हैं कि क्या होगा, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने पहले किया है, अभी किया है, वही है कि बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के अंदर बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन आप जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देते। देखिए इसके अंदर 1, 4, 27 फिर है 16 और फिर है डैश दे दिया और फिर है 36। ये तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है देखिए इसके अंदर मैं बताऊँ आपको, जैसे एक है, एक का तो चाहे आप क्यूब कर लो, स्केयर कर लो, जो कुछ भी कर लो वो तो एक ही रहेगा। अब देखिए चार है, चार किसके इक्वल टू हो सकता है, 2 की पावर 2, 2 दुनी 4। 27 क्या हो सकता है दोस्तों, 3 की पावर 3। 4 क्या हो सकता है, 2 की पावर 2। और 16 क्या हो सकता है दोस्तों, 4 की पावर 2। अब देखिए थोड़ा जिन दोस्तों को मैथ थोड़ा कम आता है वो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे 1 की पावर हमने 3 ही कर लिया, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की पावर हमने 2 की, 2 दुनी 4, 3 की पावर 3 की, 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर 4 की पावर 2 की, 4 चौके 16। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये जो डैश दिया हुआ है इस तरह का, यहाँ पे इसमें क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 के पावर 2 करेंगे या 3 करेंगे, पहले ये बताइए। हम यहाँ पे पावर 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, तो अब क्या आएगा 3 पावर आएगी। तो 5 की पावर जब 3 करते तो कितना आएगा, 5 5 25 और 25 गुना में 5 कितना होता है, 125 होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास जुलाई 2018 के अंदर आया था, इसके अंदर देखते हैं, ये देखिए इन्होंने कहा है -1 फिर 5 5 फिर है 15 और फिर है 29। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए -1 और 5 के अंदर कितना डिफरेंस है ये बताइए दोस्तों, सबसे पहले आप इनके अंदर कितना डिफरेंस है। इसके अंदर कई दोस्त कहेंगे कि 5 का डिफरेंस है, कई 6 कहेंगे, तो रियल में इसके अंदर जो डिफरेंस है दोस्तों वो 6 का डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर 0 हम काउंट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 6 का डिफरेंस हो गया। फिर 5 और 15 के अंदर दोस्तों 10 का डिफरेंस है, फिर 15 और 29 के अंदर दोस्तों हमारे पास 14 का डिफरेंस है। तो अब देखिए इनके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, नीचे देखिए दोस्तों 4 4 का डिफरेंस है, 6 जमा में 4 10, 10 जमा में 4 14, 14 जमा में 4 कितना होगा दोस्तों, 18 होगा, और ये 18 जब हम 29 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारे पास 47 आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते।
तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और ये देखिए जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया है, और अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास दिसंबर 2018 का क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर 5, 19, 39, 101, 181, 295 इन्होंने सीरीज़ दी है, और अगली सीरीज़ हमें देखनी है क्या आएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप करके देखना, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा बस डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलो मैं आपको हिंट बता देता हूँ, इसका हिंट क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 और 19 के अंदर, फिर 19 और 39 के अंदर, इन सभी के अंदर आप डिफरेंस देखना, ठीक है। सभी के अंदर डिफरेंस देखना, हम मान लेते हैं कि डिफरेंस आ गया 10, 14, 25, इस तरीके से डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस आने के बाद में फिर नीचे जो एक और डिफरेंस आए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आए, वो डिफरेंस आप देखना, ठीक है। इस तरीके से 6-6 आ जाए या 4-4, जो भी डिफरेंस आए वो आप, फिर यहाँ पे जो दोस्तों डिफरेंस आए 6-6 या 4-4, जो भी डिफरेंस आए, वो डिफरेंस आपको यहाँ पे जो सीरीज आए उसके अंदर ऐड करना है, और ये जो सीरीज आए दोस्तों इसके अंदर वो फिर 295 के अंदर ऐड करना है, ठीक है। आप मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ, चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले इनके अंदर डिफरेंस देखना दोस्तों, 5 और 19 के बीच में, 19 और 49 के बीच में, 101 के बीच में, इन सभी के बीच में आप डिफरेंस देखना, और वो जो डिफरेंस आए फिर उनके अंदर डिफरेंस देखना क्या क्या डिफरेंस हो, ठीक है। और वो जो डिफरेंस आए वो कॉमन डिफरेंस कितना है, वो डिजिट फिर उसके अंदर ऐड करना, ठीक है। इस तरीके से आप करके देखना, ये आ जाए बिल्कुल आसान है। अगर फिर भी किसी भी दोस्त को ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, हम आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और वैसे इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बी इसका आंसर है, 449 इसका आंसर आएगा, लेकिन आप अपने आप करके देखना कि क्या इसका आंसर 449 ही आता है या नहीं आता है, ठीक है। और आगे दोस्तों, आगे हमारे पास दिसंबर 2018 का ही क्वेश्चन पेपर है ये, तो इसके अंदर देखिए ये भी आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए इसके अंदर क्या है, 0, 1, 9, 36 और 100। अब देखिए दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, ये तो साफ साफ शब्दों में दिख रहा है। देखिए 9 है, 9 किसके पावर होते हैं दोस्तों, 3 3 9, 36 है 6 6 36, 100 है 10 की पावर 2, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर 1, 0 है 0 की पावर 2 कर दो यहाँ पे 1 की पावर। अब देखिए 0 1 3 6 10, यहाँ पे हो गया सभी की पावर हो रही है, 3 की पावर 2, 3 3 9, 6 की पावर 6 6 36, 10 की पावर 2, 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, तो आगे क्या आएगा, 10 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 की पावर 2 कितना होगा दोस्तों, वो हमारे पास होगा 225, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 225 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपको जेआरएफ लेना है तो आप ये सभी के सभी क्वेश्चन आप एक बार दोबारा करके देखिए, ये डेफिनेशन, ये जो सवाल है कॉपी में लिखिए, कॉपी में कर करके देखिए, और कोई सवाल नहीं आता तो आंसर हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है, आप दोबारा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर।
हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं और इसकी कुछ ट्रिक्स देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इन क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और इसमें से दोस्तों लगभग हर बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और काफ़ी क्वेश्चन आज तक UGC नेट पेपर फर्स्ट में आए हैं, तो ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर 1 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक बातें पता होना चाहिए। देखिए जब हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सी है। कई दोस्त इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ईस्ट होते जो पूर्व की दिशा होती है उसे हम कहते हैं ईस्ट, वेस्ट जो होते हैं वो जो पश्चिम की दिशा होती है जहाँ पे सूरज छिप है वो कहे, और जो उत्तर की दिशा होते हैं उसे हम नॉर्थ कहते हैं और दक्षिण की जो होते हैं उसे हम साउथ कहते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले बेसिक चीज़ ये हमें पता होना चाहिए। और इसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों कि थोड़ी सी बेसिक चीज़ समझने वाली है, वैसे तो हर कोई अपने हिसाब से क्वेश्चन करता है, कि जब भी आप क्वेश्चन करो तो इस तरह से आप बनाने की कोशिश करना अपनी फिगर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आपका जो चेहरा है वो इसकी तरफ होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, और जो आपका दाया जो हाथ है वो होना चाहिए ईस्ट की तरफ और बाया जो हाथ है वो होना चाहिए वेस्ट की तरफ होना चाहिए। इसकी भी मैं फिगर आपको बना के दिखाऊंगा, एक मिनट रुकिए। देखिए जैसे हम बनाते हैं कि एक ये कोई लड़का है यहाँ पे है और इसका ये इस तरीके से यहाँ पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, यानी कि इसका जो राइट हैंड है वो ईस्ट की तरफ है और जो इसका लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट की तरफ है और इसका जो चेहरा है वो नॉर्थ की तरफ है। इस तरीके से आपको ये बनानी है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि इसके अलावा भी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। अब एक चीज़ और अब कुछ डायरेक्शन और होती है इनके अंदर, बीच में जो डायरेक्शन होती है, देखिए जैसे ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन होती है उसे हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, और वेस्ट और साउथ के बीच में होते हैं उसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं। ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इनका भी हमारे क्वेश्चन पेपर में यूज हो सकता है। और हमें दाएं और बाएं किस तरीके से मुड़ना है क्वेश्चन के अंदर आएगा वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कौन सी है और हमें किस तरफ मुंह करके खड़ा होना है ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन कर सकें। और इसके अंदर और चीज़ें देखते हैं, जैसे हम ये भी आप फिगर देख सकते हो, इसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी की सारी डायरेक्शन। और इसके अंदर देखते हैं, जैसे कि देखिए इसके अंदर क्या होता है, अपने आप को हमेशा उत्तर की तरफ करके देखिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। और जिस तरीके से देखिए इसके अंदर क्या कहा जाएगा, हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाएगा कि हमें दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है। जब वो दाएं मुड़ने की बात करें तो हमें दोस्तों जो क्लॉक हमारी चलती, घड़ी जिस तरीके से चलते उस तरह से हमें मुड़ना है, जब दाएं कहें तो। वो ये सारी की सारी चीज़ें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक जो चीज़ है दोस्तों इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है, उसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, वो है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय में हमारा जो फॉर्मूला है वो लागू होता है। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये हमने 10th क्लास के अंदर किया हुआ है। जैसे कि हमें एक त्रिभुज दे दिया जाता है,
जैसे कि इसके अंदर हमें एक सिचुएशन बन जाती है और वो सिचुएशन एक त्रिभुज के आकार की होती है, ट्राइंगल के आकार की बन जाती है सिचुएशन। तो उसके अंदर हमें ये पता करना होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। तो उस टाइम हमारा पाइथागोरस प्रमेय में फॉर्मूला लागू होता है। और इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है दोस्तों, जो कर्ण जो होता है, कर्ण यानी कि डायगनल जो होता है हमारा, ये जो होता है ये इक्वल टू किसके होता है, लंब प्लस आधार। लंब मीन्स जो ये हाइट है इसका स्केयर प्लस में आधार यानी कि बेस है इसका। तो इस बेस पे हम क्वेश्चन निकालते हैं। और यहाँ पे आप अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जैसे पाइथागोरस प्रमेय में होता इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए ये हो गया और बी ये हो गया, इसका ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर इक्वल टू किसके होता है, सी का स्केयर, यानी कि जो हमारा डायगनल है कर्ण जो है उसके स्केयर के इक्वल टू होता है। और हमें जैसे इसके अंदर ए निकालना है, मान के चलिए हमें ये निकालना है, तो ये किसके इक्वल टू होगा, यहाँ पे ये जो बी है दोस्तों यहाँ के माइनस हो जाएगा, बी का स्केयर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और हमें सिंगल ए निकालना है तो इसका अंडर रूट होगा, इसका जो स्केयर रूट है वो हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से बी निकाल सकते हैं और सी निकाल सकते हैं। और ये ज़्यादा अच्छे से आपको जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए और इसके अंदर यही सारी चीज़ें ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्या है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वैसे हिंदी में पढ़ना चाहे तो। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इसने कहा है कि संध्या अपने घर से शुरू होकर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाती है। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे इसका जो साइज़ है हम वो छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें कहा है कि संध्या जो है वो अपने घर से शुरू होकर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाती है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो डायरेक्शन हमें डिफाइन करनी है। तो हम कर लेते हैं, जैसे ये हमने कर लिया ईस्ट, ये कर लिया वेस्ट, और ये कर लिया नॉर्थ, ये कर लिया हमने साउथ, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। अब देखिए संध्या अपने घर से पूर्व की ओर चलती है 4 किलोमीटर। अब देखिए ये इस तरफ जाएगी, ठीक है, तो इस तरफ जाएगी तो जिस तरफ हमें जाना है उस तरफ हम जाएंगे, और हमारा जो दायां और बायां है वो हाथ देखेंगे कहाँ होगा। देखिए हमारा चेहरा इस तरफ है, हम इस तरफ देखते हुए जा रहे हैं, इस तरफ देखते हुए जा रहे हैं, तो हमारा दायां और बायां हाथ कहाँ होगा दोस्तों वो बताइए। हमारा जो दायां हाथ होगा वो इस तरफ होगा और बायां हाथ होगा वो हमारा इस तरफ होगा, यानी कि राइट हैंड यहाँ पे होगा और लेफ्ट हैंड हमारा यहाँ पे होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, यानी कि ये थोड़ा समझना ज़रूरी है, जिस तरफ हम देख के चल रहे हैं उसके राइट साइड में हमारा होता है दायां हाथ, और जो बायां होता है वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है। अब देखिए अब इसके अनुसार देखते हैं कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। देखिए इसने कहा है कि इसने कहा है कि संध्या अपने घर से शुरू होकर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। तो हम मान लेते हैं ये यहाँ तक 4 किलोमीटर हो गया, ये हो गया 4 किलोमीटर तक, यहाँ तक वो जाती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है। अब देखिए अब ये बात आती है दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ने का मतलब इस तरफ मुड़ना है या इस तरफ मुड़ना है, ये हमें ध्यान में रखना है। और ये चीज़ मैंने अभी भी बताई आपको कि हमारा इस तरफ मुंह है, इस तरफ देखते हुए हम जा रहे हैं, तो हमारा जो दायां जो होगा दोस्तों वो इस तरफ होगा। तो यहाँ पे हम कितना किलोमीटर मुड़ते हैं, 3 किलोमीटर मुड़ते हैं, यहाँ पे हम 3 किलोमीटर चल लिए, यहाँ पे हमें 3 किलोमीटर चले। अब हमें बताना है उसके घर तक पहुँचने के लिए सबसे कम दूरी कौन सी है। अब देखिए वो उसका घर कहाँ था, घर यहाँ पे था संध्या का। अब उसे घर में पहुँचना है, दोबारा घर में जाना है, तो उसकी सबसे कम दूरी कौन सी होगी। सबसे कम दूरी तो दोस्तों ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ये दूरी होगी। तो ये दूरी हमें निकालनी है, और यहाँ पे हमारा क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला था वो लगेगा। और उसके अनुसार क्या होता है दोस्तों, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर। यहाँ पे ए बी सी कौन सा है दोस्तों, ए जो है हमारा ये 4 है, बी हमारा ये 3 है, और सी जो है हमारा ये दोस्तों डायगनल, ये हमें निकालना है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से निकलेगा, चलिए मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन निकलेगा हमारा, हम 4 का स्केयर कर देते हैं, 3 का स्केयर कर देते हैं, और यहाँ पे
सी का स्केयर, यानी कि जो ये डिस्टेंस हमें निकालनी है ये आ जाएगी। अब इन दोनों का स्केयर करते हैं, 4 चौके 16, 3 3 9, ये आ जाएगा सी का स्केयर। 16 और 9 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 25। 25 अब कहाँ पे लिखे, हम यहाँ पे लिख देते हैं 25 इक्वल टू सी का स्केयर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से हमारे पास सी स्केयर क्या आया दोस्तों, सी स्केयर जो आया है हमारे पास 25 आया है। और अगर हमें ओनली सी निकालना है तो सी निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, 25 जो है इसका अंडर रूट होगा, अंडर रूट करने पे सी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों। तो संध्या जहाँ पे अभी वो खड़ी है और उसके घर की जो दूरी है वो क्या होगी दोस्तों, 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, या आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूँगा। और अब हम देखते हैं दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब ये देखिए, इसने कहा है कि मोहन ने अपने घर से शुरुआत की और पूर्व दिशा में चलना शुरू किया। अब इसके अंदर भी वही बातें करते हैं हम, इसके अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लेते हैं। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, मोहन ने अपने घर से शुरुआत की और पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया, यानी कि इस तरफ उसने आना शुरू कर दिया। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, अब उसने हम मान लेते हैं यहाँ तक उसने 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली, वह दाईं ओर मुड़ा। अब दाईं ओर मुड़ा मतलब इस तरफ मुड़ा, ये हमें देखना है दाईं कौन सा बाईं कौन सा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। दाईं ओर मुड़ा और वो 3 किलोमीटर चला। अब दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, और पहले कितना चला था, 5 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं, वह फिर दाईं ओर मुड़ा। अब देखिए यहाँ पे हमें ध्यान में रखने वाली है कि अब इसका चेहरा किस तरफ है, इस तरफ चेहरा है इसका। वह फिर दाईं ओर मुड़ा, अब देखिए यहाँ पे उसका दायां बायां कौन सा होगा, यानी कि राइट और लेफ्ट कौन सा होगा। यहाँ पे इसका दायां यानी कि जो राइट है वो ये साइड होगी दोस्तों, इस तरफ की जो साइड है वो होगी इसकी राइट साइड। फिर क्या है कि ये 5 किलोमीटर चला, यानी कि इस तरफ मुड़ के ये 5 किलोमीटर दोबारा फिर चला। अब देखिए इसके बाद उसने दाहिनी ओर दोबारा फिर दायां कह रहा है दोस्तों, तो दायां अब कौन सा होगा। अब देखिए अब इसका चेहरा इस तरफ है, यानी कि ये इस तरह से चल रहा है। अब इसका दायां कौन सा होगा दोस्तों, अब इसका दायां इस तरफ होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दायां बायां जो राइट जो होता है, दायां जो होता है उसको हम क्लॉकवाइज यानी कि जिस तरह से हमारी घड़ी चलती है उस साइड में हम मुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दाईं तरफ मुड़ा और 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री ये मान लेते इस तरीके से, ये 30 डिग्री मुड़ा और 6 किलोमीटर की दूरी तय की। अब ये मान लेते ये 6 किलोमीटर चला यहाँ पर इस तरीके से 30 डिग्री मुड़ के, ये कितना चला, 6 किलोमीटर चला। वह किस दिशा में है और वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है दोस्तों। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, पहला वह किस दिशा में है और वह अपने घर से कितनी दूरी पे है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक चीज़ देखिए, ये हमें क्या मिल गया, एक डायगनल मिल गया जिसपे हमारा पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला लागू होगा। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इन्होंने बता दी 6 किलोमीटर है, और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे 3 किलोमीटर, ये देखिए यहाँ से हमारी आ गई, यानी कि मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, एक मिनट रुके ये इरेज कर देता हूँ एक बार, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा इस तरीके से ग्राफ बन गया, यहाँ पे ये 6 किलोमीटर आ गया और ये हमारा 3 किलोमीटर, क्योंकि ये देखिए ये जो 3 किलोमीटर है ये इक्वल टू इसके होगा, ये 6 और 3 आ गया। अब हमें जो डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों, वो डिस्टेंस हमें, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, और ये डिस्टेंस हमारी कैसे निकलेगी, ये उसी तरीके से निकलेगी जो मैंने पाइथागोरस प्रमेय में बताया था। इसमें ये कर्ण है दोस्तों हमारा, ये ऊंचाई है, हाइट है, और ये हमारा आधार है, ठीक है। तो ये यानी कि हमारा बेस है, तो इस बेस पे जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय में फॉर्मूला लगेगा वो आप लगा के निकाल के दिखाना मेरे को और बताना क्या इसका आंसर
आएगा। ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। और जो जो दोस्त इसका आंसर निकाले वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना हमें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमने NTU UGC नेट के लिए जो कोर्स लॉन्च किया है उसकी फीस अभी केवल 599 रुपये है और 1 मार्च से उसकी फीस बढ़ने वाली है, 799 रुपये होने वाली है। अगर आप अभी उसको ज्वाइन करते तो केवल 599 रुपये के अंदर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 1 मार्च से आपको 799 रुपये देने पड़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पा सके हमारी आने वाली वीडियो बड़ी आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये वीडियो देख के आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि UGC नेट के अंदर दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के शायद किसी एग्जाम के अंदर आते हो। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों, और मेरा ये पूरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर कहेंगे OMG। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और पूरी देखना इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको हर एक चीज पता चलेगी कि UGC नेट वो किस तरह से क्वेश्चन देता है और कहां से क्वेश्चन देता है। और अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आपका नेट तो क्या, आपका JRF भी हो सकता है दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की और इसमें दिखाते हैं आपको UGC नेट से रिलेटेड चौंकाने वाले कुछ क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट जून 2011 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 20 है वो। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए, तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यदि खर्चा नहीं बढ़ाया जा सकता है तो उपभोग में कमी और मूल उपभोग के बीच अनुपात हमें पता करना है, ठीक है। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन की एक बार ये जो हेडिंग है ये आप देख लीजिए। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन कब कब आया और किस तरह से आया है। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पेपर फर्स्ट जून 2012 का क्वेश्चन पेपर है और कोड है W। इसके अंदर हम देखते हैं कि यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20,
पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है, ग्राहक को अपना उपभोग किस प्रतिशत में कम करना चाहिए जिससे कि पेट्रोल का पहला बिल बदले नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, और पहले भी इन्होंने 25% की बात की थी और अब भी ये 25% की बात कर रहे हैं, यानी कि डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है। और अब हम ये देखते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन दोबारा यानी कि तीसरी बार ये क्वेश्चन कब आया है। अब ये देखिए दोस्तों, आपके सामने UGC NET 2019 का क्वेश्चन पेपर है, 24 जून का पेपर है ये और मॉर्निंग शिफ्ट है। इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, आप देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे दोस्तों ये क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि इन ए न्यू बजट द प्राइस ऑफ पेट्रोल रोज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। इसका मतलब ये है दोस्तों कि प्राइस जो पेट्रोल का प्राइस है वो 25% बढ़ गया है, तो एक व्यक्ति को अपना कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो कॉपी यही हमारा क्वेश्चन 2012 के अंदर आया था और यही अब 2019 के अंदर आ गया है। और इसके अंदर सबसे खास बात यह है दोस्तों, इसकी जो स्टेटमेंट और इसका जो आंसर है बिल्कुल सेम है, डिट्टो कॉपी है, इसका आंसर हर बार सेम आता है। तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से UGC नेट के अंदर डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और दोस्तों हमने और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर, और जो टॉपिक है उनमें से दिखाए हमने, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च में, ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो डिट्टो कॉपी रिपीट होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये पेट्रोल की कीमत में वृद्धि वाले क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। दोस्तों इसमें जो एक खास बात होती है वो ये होती है कि जो कीमत है, कीमत के अंदर वृद्धि दी हुई होती है हमें कुछ परसेंटेज, और हमें ये कहा जाता है कि हमारा जो खर्च है उसके अंदर कितना खर्च कम करना चाहिए ताकि हमारा जो है व्यवस्था वो बिगड़े नहीं। तो ये होता है, इसके अंदर क्या होता है कि किसी वस्तु का 1% मूल्य बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद हमें पूछा जाता है कि हमारा जो खर्च है, खर्च में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। तो ये देखिए इससे हम किस तरह से करेंगे। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है ये है, मूल्य वृद्धि पर खर्च में कमी इक्वल टू किसके होगी, 100 गुना में ए, ए होता है जितने प्रतिशत हमें बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे कीमत में 25% वृद्धि हुई है, तो यहाँ ए की जगह 25% आ जाएगा, और बटे में 100 जमा में ए, यानी कि 25 ही यहाँ पे आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन आएगा। इसमें कहा है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो ये इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं। तो ये रखा हमने 100 गुना में 25, ये आ गया हमारा दोस्तों 2500 आ गया, 2500 आ गया, ठीक है 2500। और नीचे दिया है 100 जमा में ए, यानी कि 100 जमा में 25 ये हो गया 125 हो गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 125 हो गया। तो ये दोनों की दोनों क्या आएगी दोस्तों, दोनों के दोनों हमारे पास ये आ जाएगा 2500 / 125, ये हमारे पास आ जाएगा। जब दोस्तों अब 2500 को जब हम 125 से डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो ये 20% आएगा, यानी कि 20 आंसर इसका आएगा। यहाँ पे ए इसका ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे अगर 25 की जगह 40 दे दे या 50 दे दे, जो भी दे दे, वो हमें ए की जगह रखते जाना है और वो हमारा आंसर आता जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर यहाँ पे ये कह देते हैं कि वृद्धि की जगह अगर वो कह देते हैं कि कमी की जाती है, तो हमारा क्या आएगा, कमी आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जबकि वृद्धि होगी तो यहाँ पे प्लस हमें लगाना है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे ये हमारा जून 2011 के अंदर क्वेश्चन आया था, इसके अंदर भी वही है दोस्तों, सेम टू सेम बात है, तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यदि खर्च बढ़ाने की अनुमति नहीं है, यानी कि खर्च नहीं बढ़ा सकता, तो खपत में कमी, वही बात आ गई दोस्तों, यानी कि खर्च में कितना कमी करना है हमें वो बतानी है। सबसे पहले हमें वो निकालना है, और फिर क्या है, मूल खपत के बीच का अनुपात, यानी कि इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो बढ़ा दिया। अब देखिए
जो सबसे पहले इसमें खपत में कमी की ये बात पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा कि खपत में कमी कितनी प्रतिशत करनी पड़ेगी, 20% करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे खपत में कमी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 20% हमारा आ गया, ये दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं खपत में कमी और मूल खपत के बीच का अनुपात क्या है, ये हमें पता करना है। अब देखिए, पहले हम मान के चलते कि 100% जो है खर्चा करते थे, उसके बाद क्या है कि 20% हमने कम कर दिया, तो अब इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो हमें निकालना है। अब देखिए खपत में कमी कितने प्रतिशत की है, हमने 20% की है, और टोटल खपत कितनी होती थी, हम मान के चलते 100% हमारी खपत होती थी। अब देखिए इन दोनों के बीच में अनुपात कितना होगा, अब इन दोनों के बीच में जो अनुपात होगा दोस्तों वो हमारा 1:5 होगा। तो 1:5 ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमारा आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारी खपत में कमी कितनी हुई, 20% हम अब कम खर्चा करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अब ये कह रहा कि खपत में कमी और मूल खपत के बीच का अनुपात, तो ये देखना खपत में कमी 20% और मूल खपत हम मान लेते हैं 100% पहले करते थे, तो अब इन दोनों के बीच का जो रेशो होगा वो होगा 1:5। तो इस तरह से हम ये आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये जो 24 जून 2019 में अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था, इसके अंदर देखिए वही क्वेश्चन है। एक बजट में पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है, वही बात सेम चलती हुई आ रही है तीसरे क्वेश्चन में भी। किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर खर्च न बढ़े। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट भी सही है और जो प्रतिशत वृद्धि है वो भी सेम दे रखी है, तो इसका आंसर है दोस्तों वो भी हमारा बिल्कुल सेम आएगा, यानी कि 20% इसका आंसर आएगा। और वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से होगा, 100 × 25 / 100 / 25, ये मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से करके देखना, ये जो सवाल आपका बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक चीज और आती है। अब ये तो बात होगी हमारी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होगी, लेकिन कई तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर इन्होंने वृत्त की त्रिज्या, व्यास और जो हमारे आयत होते हैं यानी कि रेक्टेंगल होते हैं उनके बारे में भी कई क्वेश्चन आए हैं, तो वो क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से आए हैं। यहाँ पे देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 30-50% तक बढ़ जाती है तो उस वृत्त की परिधि किस सीमा तक बढ़ेगी। यहाँ पे ये सर्कल की बात करें, सर्कल का जो रेडियस है 50% बढ़ जाता है तो उसका पैरामीटर कितने प्रतिशत बढ़ेगा, ये हमें बताना है। और उसके बाद देखिए, ये दोबारा फिर 2007 के अंदर आया था, वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए, जैसे ये आया है आयत के बारे में आया, रेक्टेंगल के बारे में आया कि रेक्टेंगल की जो लंबाई और चौड़ाई 1-1% बढ़ जाती है तो उसका जो क्षेत्रफल है उसमें कितना डिफरेंस आएगा, वो हमें बताना है। उसके बाद में देखिए, ये जून 2010 के अंदर आया था, एक वर्ग की 1% त्रुटि हो जाती है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये देखते हैं दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम वृत्त यानी कि जो सर्कल जो होता है हमारा, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यानी कि जो सर्कल है, सर्कल की त्रिज्या यानी कि रेडियस। रेडियस अब हम किसे कहते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जैसे मान के चलते ये हमारा सर्कल है, रेडियस होता है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये कह रहा कि किसी सर्कल की 1% रेडियस बढ़ा दी जाती है तो उसकी परिधि माने तो पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर में क्या डिफरेंस होगा। अब पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर क्या होगा, देखिए पैरामीटर भी मैं बता देता हूँ पैरामीटर क्या होता है। जैसे कि कोई बंदा यहाँ से चला और घूम फिर के यहाँ से यहीं पर आ गया, ये जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं दोस्तों पैरामीटर या परिधि कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि किसी वृत्त की जो रेडियस है वो 1% यानी कि 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके पैरामीटर में कितना परसेंट बदलाव होगा। तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों वो बिल्कुल सिंपल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 1% बढ़ाई जाती है तो उसकी परिधि में 1% की ही बढ़ोतरी होगी,
ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा दोस्तों। जैसे ये देखिए, इसने 50% रेडियस बढ़ाई है, तो इसका जो पैरामीटर है दोस्तों वो भी 50% ही बढ़ेगा। जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ही हमारा पैरामीटर बढ़ेगा। इसके अंदर ज़्यादा सोचने समझने की बात नहीं है, बस आप ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे रेडियस बढ़ रहा है तो पैरामीटर सेम टू सेम बढ़ेगा जितना रेडियस बढ़ रहा है। अगर पैरामीटर की जगह यहाँ पे एरिया दे दिया जाए ना दोस्तों, तो हमारी गड़बड़ हो जाए। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, सर्कल में अगर रेडियस बढ़ रही है तो उसका पैरामीटर भी सेम टू सेम उतना ही बढ़ेगा। यहाँ पे हमने ये जो एग्जांपल भी दे रखा है, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं तो उसका जो पैरामीटर है वो सेम टू सेम बढ़ता है। यहाँ पे आप देख लेना, और किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो वो हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आगे दोस्तों, आगे हमारे पास ये दिसंबर 2007 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर कहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है। अब देखिए, यहाँ भी इसने यही कहा था, वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, यहाँ पे जो एरिए की बात चल रही है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पैरामीटर की बात चल रही है, यानी कि इसकी परिधि की बात चल रही है, परिधि की। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें तो मैंने आपको बताया था कि अगर परिधि की बात पूछे, पैरामीटर की बात पूछे, तो पैरामीटर उतना ही बढ़ेगा जितना हमारी त्रिज्या रेडियस बढ़ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे एरिया आ जाए तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो अलग होगा दोस्तों। उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये हमारा दो भुजा वाले जितने भी हमारे आयत है, वर्ग है, या फिर हमारा जो सर्कल है उसके ऊपर ये लागू होता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, यदि किसी दो भुजा वाली आकृति जैसे आयत, वर्ग या वृत्त, ये वृत्त के अंदर वैसे दो जो भुजा नहीं होती लेकिन फिर भी इस पे लागू होता है, में एक्स प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये है 100 जमा में ए, 100 जमा में बी, ये कर लिया हमने, बटे में 100 और माइनस में 100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये लागू किस तरह से होगा, तो इसमें होगा दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं बढ़ोतरी की बात चल रही है। सबसे पहले हम 100 प्लस में 50 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास 150 आ जाएगा, और फिर दोबारा 100 जमा में 50 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 आ जाएगा दोस्तों, और फिर बटे में 100 कर लिया हमने, और फिर माइनस में 100 करेंगे। तो अब देखते हैं ये क्या होगा, 150 की जब हम 150 से गुना करेंगे तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास, जब हम 150 और 150 को गुना करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, ये आएगा 225500 आ जाएगा। अब बटे में यहाँ पे 100 है, यहाँ पे ये देखिए ये 100 है हमारा, तो 20 से 20 कट गई। अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 225 आ गया। अब 225 में ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 100 है, माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 125 आंसर आएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एरिया के बारे में पूछा हुआ है या पैरामीटर के बारे में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए इसने यही बात कही है कि जब एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 1-1% की त्रुटि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि क्या होगी। अब इसमें सेम टू सेम यही लगेगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा लगेगा, ये जो है हमारा, ठीक है। ये आप इसके अंदर करके देखना, इसके अंदर क्या करोगे, 100 जमा में 1, 100 जमा में 1 और बटे में 100 माइनस में 100, इस तरीके से आप ये करके देखना, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आते है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है, सेम टू सेम इसके अंदर वही फॉर्मूला लगेगा, और ये क्वेश्चन है इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप करके देखना दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इवनिंग की वीडियो में आपको ये करवाएंगे सभी के सभी। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करके देखना, सभी क्वेश्चन करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, क्या आप मई 2021 के अंदर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त कोर्स तैयार किया है स्पेशल पेपर फर्स्ट के लिए। इसके अंदर दोस्तों हम आपको क्या करवाएंगे, नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देंगे। 2020 में अपने जो एग्जाम हुए उनको एनालिसिस करके हमने ये नोट्स बनाए हैं। नंबर दो पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमने नई वीडियोस बनाई हैं। इसके साथ साथ दोस्तों नंबर तीन पे हम आपको क्या देने वाले हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप कहीं भी कोर्स ज्वाइन कर लेना ऑफलाइन या ऑनलाइन। हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर विद आंसर हम आपको देने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको सभी शिफ्ट के देने वाले हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हम आपको 2012 से लेके 2020 तक 2018 19 20 सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में साथ के साथ हमने आंसर भी लगा रखे। इससे आप दोस्तों आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नंबर चार पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2020 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देने वाले हैं। जैसे कि आज तक जो भी हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग करके हैं, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। और आपकी सहूलियत के लिए दोस्तों नंबर चार पे हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन यूनिट में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे रिसर्च में रिपीटेड होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने अलग से बताया, टीचिंग के बारे में अलग बताए, सभी यूनिट के अंदर हमने सभी क्वेश्चन बताए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको फ्री में धमाकेदार ऑफर हम आपको दे रहे हैं। हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक पेपर सेकंड भी देंगे दोस्तों, पेपर सेकंड विद आंसर की देंगे सभी शिफ्ट के। आज तक जो भी हमारे एग्जाम हुए पेपर सेकंड वो आपको देंगे फ्री में इस कोर्स में। और नंबर छह पे दोस्तों अगर आपको इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप अपना सवाल जवाब हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। नंबर सात पे दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट भी लेंगे, जब आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपका लाइव मॉक टेस्ट भी लेंगे। और दोस्तों इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स की फीस बहुत ही कम नाम मात्र हमने रखी हुई है। 4 महीने का यह कोर्स है और आपको केवल 599 रुपए के अंदर हम ये कोर्स दे रहे हैं। बहुत ही कम रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इतने कम रुपए में इतना बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप चाहे ऑफलाइन पढ़ लेना चाहे ऑनलाइन पढ़ लेना, नंबर एक चीज तो आपको कहीं पे भी सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में नहीं मिलेंगे। नंबर दो चीज दोस्तों आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कोई भी नहीं देगा जो कि हमने बनाए हुए टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, रिसर्च के अलग है। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं देने वाला, आप चाहे कितने भी रुपए में स्टडी कर लेना, लेकिन हम आपको केवल और केवल 599 रुपए के अंदर ये सब दे रहे हैं। और दोस्तों अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अभी इस कोर्स की फीस बढ़ने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया वहां से ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को, या फिर आप हमें इसे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस कोर्स की ये फीस केवल लिमिटेड टाइम के लिए है, बहुत ही जल्द इस कोर्स की फीस बढ़ने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमने एनटीए यूजीसी नेट के लिए जो कोर्स लॉन्च किया है उसकी फीस अभी केवल 599 रुपए है और 1 मार्च से उसकी फीस बढ़ने वाली है, 799 रुपए होने वाली है। अगर आप अभी उसको ज्वाइन करते तो केवल 599 रुपए के अंदर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 1 मार्च से आपको 799 रुपए देने पड़ेंगे। एनटीए यूजीसी नेट यानी निमिज नेट ऐप, कंप्लीट स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग में एज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने काफ़ी तरह के ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसके अंदर पिता की जो उम्र होती है वो बेटे की उम्र से 3 गुना ज़्यादा दी हुई होती है और कहते कि 10 साल बाद उनकी उम्र इतनी हो जाएगी तो उनकी वर्तमान उम्र कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं और आगे भी इनमें से आने की संभावना है। तो ये टॉपिक करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों ये हमारा दिसंबर 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था और धीरे धीरे हम सभी ईयर के दिखाएंगे कि कब कब क्वेश्चन आए हैं। इसमें कहा है कि दो व्यक्तियों में ए और बी की आयु का जोड़ कितना है, 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को करना चाहे तो हम पूरा डिटेल से करें तो वो भी कर सकते हैं विद फॉर्मूले से करें तो, लेकिन हमें एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है दोस्तों, जल्द से जल्द क्वेश्चन निकालने की कोशिश करनी होती है। तो यहाँ पे इसे हम शॉर्टकट तरीके से कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए इन्होंने कहा है कि ए और बी की आयु का जोड़ कितना है, 50 वर्ष है। तो इनमें चारों के चारों जो ऑप्शन है उनमें सभी में इनका जोड़ कितना है, 50 वर्ष दिया हुआ है। लेकिन अब दूसरा जो है इस पे हम ध्यान देते हैं, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, ए और बी की वर्तमान आयु क्या है ये हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। तो हम एक एक टाइम के लिए मान के चलते कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे बी ऑप्शन हमने ले लिया। तो ये यहाँ पे इन्होंने वर्तमान आयु दी हुई है 35 और 15 वर्तमान आयु दी हुई है। अगर हम इनमें 5-5 वर्ष माइनस करते तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 30 वर्ष और ये आएगा हमारा 10 वर्ष। अब देखिए क्या इनके अंदर जो अनुपात है वो 5:3 का अनुपात आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देखिए 30 और 10 का अनुपात है दोस्तों 3:1 है, तो ये जो बी है हमारा वो नहीं होगा। अब देखिए अब हम ऑप्शन नंबर एक देखते हैं, ए जो है इसके अंदर 30 है और 20 है, 30 में से जब हम 5 माइनस करेंगे और 20 में से 5 माइनस करेंगे ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा हमारा 15। अब देखते हैं 25 और 15 इनके अंदर अनुपात कितना है। इसके अंदर देखिए ये जाएगा 5 25 ये 5 और ये 5 ती है 15। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका अनुपात कितना निकल रहा है, 5:3 निकल रहा है और इन दोनों का जो जोड़ है वो भी 50 आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम शॉर्टकट तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और दूसरा जो तरीका वो आप जानते ही है कि माना एक ए व्यक्ति की आयु x है तो b की क्या होगी, 50 - x हो जाएगी। तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और आगे हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे हम किस तरह से शॉर्टकट मेथड से करेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें दोस्तों स्क्रीनशॉट के साथ और बताया करें कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हम आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा दिसंबर 2013 के अंदर आया था। इसमें कहा है कि अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से 2 गुनी है, ठीक है। इसने कहा है कि 2 गुनी है, 3 वर्ष पूर्व पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी, अनिल की वर्तमान उम्र क्या है वो हमें बतानी है। सबसे पहले हम यह लिख देते हैं कि सुनीता की जो उम्र है वो मान लेते हैं एक्स है, तो अनिल की जो उम्र है वो क्या होगी दोस्तों, 2x यहाँ पे हो जाएगी। अब देखिए 3 वर्ष पहले यानी कि 3 साल पहले की ये बात कर रहा है, तो उसकी उम्र सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इन दोनों में हम -33 कर देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी 2x - 3 कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए इससे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। 3 वर्ष पहले उसकी उम्र सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी, यानी कि इसकी उम्र से सुनीता की उम्र से 3 गुनी थी, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जिसकी उम्र कम हो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन इक्वल होगी। अब देखिए ये हो जाएगा 3x - 3 = 9, यहाँ पे होगा 2x
माइनस में 3, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये जो 2x है यहाँ पे आएगा तो ये हमारे पास रह जाएगा दोस्तों x एक रह जाएगा, और फिर ये जो 9 है 9 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये 9 माइनस का है, यहाँ पे यहाँ के क्या हो जाएगा इस तरफ प्लस का हो जाएगा, प्लस के 9 माइनस के 3 तो कितना रह जाएगा हमारे पास x बराबर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए x क्या आया है, x आया हमारे पास सुनीता की उम्र आई है x, अब अनिल की उम्र क्या होगी 6 × 12 यहाँ पे आ जाएगी, और यही इसने पूछा कि अनिल की वर्तमान उम्र क्या है, तो ये दोस्तों 12 उम्र इन्होंने दी हुई है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर समझ में ना आए तो आप ये वीडियो एक बार दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगी ये इक्वेशन, और अगर समझ में ना आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये देखिए, ये दिसंबर 2014 के अंदर आया था, ये देखिए इसके अंदर इसने क्या कहा है, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है। अब मध्यमान का मतलब होता है दोस्तों उनका हाफ एवरेज, यानी कि हाफ आधा कहते हैं मध्यमान, ठीक है। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 है, तो यानी कि टोटल योग कितना होगा दोस्तों, टोटल के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 × 54, यानी कि इसका अर्थ ये कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 54 वर्ष है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे कि पिता को हम पी लिख देते हैं और बेटे को हम बी लिख देते हैं, दोनों की आयु का योग कितना है 54 वर्ष है। अब देखिए यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन बन रही है, एक तो सबसे पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 54, अब ये देखिए चारों के चारों ऑप्शन है ना, चारों को आप ऐड कर लेना, चारों की उम्र 54 वर्ष आ रही है, तो सबसे पहले यहाँ से तो हमारा क्वेश्चन निकल नहीं रहा। अब दूसरा देखते हैं 18 साल बाद, अब देखिए 18 साल बाद की ये बात कर रहा है, अपने पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ना, इन सभी में 18 18 ऐड करके देख लेते हैं, और इनमें से रैंडम तरीके से आप एक ले लीजिए, हम ले लेते हैं जैसे ये ले लेते हैं, हम 40 ले लेते हैं, 40 जमा में 18 हमने किया, ठीक है, और फिर हम 14 जमा में 18 करते हैं। अब देखिए 40 में से 18 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, और 14 प्लस में 18 करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों 18 × 36 और यानी कि 32 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इसमें कहा है कि 18 साल बाद पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 गुना नहीं है, ये जो 58 है 32 का 2 गुना नहीं है, तो ये जो ऑप्शन अपना 2 है ये नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अब ए में ए करके देखिए दोस्तों, ए करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ए में 42 वर्ष दी है, इसमें हम 18 वर्ष ऐड कर रहे हैं, इसी तरीके से 12 वर्ष दिए, 12 में हम 18 ऐड कर रहे हैं, 42 का हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 60 वर्ष, और ये हो जाएगा 12 जमा में 18, ये हो जाएगा 30। अब ये देखिए ये बिल्कुल सही आ रहा है, ये जो 60 है ये 30 का 2 गुना है, ये जो नीचे वाली है ये हमारी पुत्र की आयु है, और ऊपर वाली ये हमारी पिता की आयु है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से शॉर्टकट मेथड अपना के भी ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका है वो उस तरीके से निकाल सकते हैं कि पिता की आयु और पिता और पुत्र की आयु का योग है वो हमारा 54 वर्ष है, जैसे कि पी प्लस में बी हो गया 54 वर्ष, तो पी क्या होगा, पी हो जाएगा 54 माइनस में बी, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और आगे फिर 18 साल का करके वो पूरा लंबा प्रोसेस करके ये क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप ऑप्शन में पुट अप करके देखिए, वहाँ से जल्दी ऑप्शन आ जाएगा। और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा जून 2015 का क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, तो इसे देखिए इसे हम कैसे करेंगे, इसमें हम सिस्टमैटिक ढंग से चलने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, तो पहली लाइन से ही हमें क्वेश्चन को साथ में लेके चलना है। यहाँ पे इसने कहा है कि एक व्यक्ति अपने बेटे से 4 गुना बड़ा है, तो इसमें बेटे की जो उम्र है वो मान लेते हैं दोस्तों हमने x मान ली, और जो व्यक्ति है व्यक्ति को हम v ही लिख लेते हैं, व्यक्ति व्यक्ति की उम्र कितनी होगी दोस्तों 4x हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा है कि बेटे से 4 गुना बड़ा है, अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, और जो इसकी पत्नी है इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए, अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, तो इसका मतलब क्या, इसकी जो पत्नी है पी से डिनोट करते हैं वो क्या होगा 4x माइनस
3, यानी कि सीधा सा मतलब है कि इसकी जो पत्नी है वो अपने पति से 3 साल छोटी है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आगे देखते हैं, 3 साल के बाद, 3 साल बाद की ये बात कर रहा है, 3 साल के बाद उसके बेटे की आयु 15 साल हो जाएगी। अब 3 साल के बाद, 3 साल के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस में 3 कितनी हो जाएगी, उसकी उम्र 15 साल हो जाएगी। ये देखिए, ये इक्वेशन जो बन रही है ना, उसे समझने की कोशिश करो दोस्तों। 3 साल के बाद उसके बेटे की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। बेटे की आयु ये है, इसमें 3 ऐड कर दिए तो टोटल कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष हो जाएगी। यहाँ से एक्स हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, 15 माइनस में 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 क्या है हमारे पास, 12 है बेटे की आयु, और पत्नी की आयु की इक्वेशन क्या है, 4x-3। अब 4x की जगह जब हम 12 रखेंगे, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, 4 × 12 - 3 तो 12 चौके 48, 48 में से 3 गया क्या आएगा दोस्तों, 45 हमारे पास आ गया। ये जो 45 है ना दोस्तों, ये 45 जो लेडीज है उसकी वर्तमान आयु है, ठीक है ना, उसकी प्रेजेंट आयु है। अब देखिए, उस व्यक्ति की पत्नी की आयु 5 साल बाद कितनी होगी, तो 45 के अंदर जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। बस इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं ये, और कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, क्या आप मई 2021 के अंदर NTE UGC NET JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त कोर्स तैयार किया है स्पेशल पेपर फर्स्ट के लिए। इसके अंदर दोस्तों हम आपको क्या करवाएंगे, नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देंगे। 2020 में अपने जो एग्जाम हुए हैं उनको एनालिसिस करके हमने ये नोट्स बनाए हैं। नंबर दो पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमने नई वीडियोज बनाई है। इसके साथ साथ दोस्तों नंबर तीन पे हम आपको क्या देने वाले हैं, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप कहीं भी कोर्स ज्वाइन कर लेना ऑफलाइन या ऑनलाइन, हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश के अंदर विद आंसर हम आपको देने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको सभी शिफ्ट के देने वाले हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम आपको 2012 से लेके 2020 तक 2018-19-20 सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में साथ ही साथ हमने आंसर भी लगा रखे। इससे आप दोस्तों आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नंबर चार पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके 2020 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देने वाले हैं। जैसे कि आज तक जो भी हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग करके हैं, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। और आपकी सहूलियत के लिए दोस्तों नंबर चार पे हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन यूनिट में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे रिसर्च में रिपीटेड होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने अलग से बताया, टीचिंग के बारे में अलग बताया, सभी यूनिट के अंदर हमने सभी क्वेश्चन बताए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको फ्री में धमाकेदार ऑफर हम आपको दे रहे हैं, हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक पेपर सेकंड भी देंगे दोस्तों, पेपर सेकंड विद आंसर की देंगे सभी शिफ्ट के आज तक जो भी हमारे एग्जाम हुए पेपर सेकंड वो आपको देंगे फ्री में इस कोर्स में। और नंबर छह पे दोस्तों अगर आपको इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप अपना सवाल जवाब हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेंगे। नंबर सात पे दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट भी लेंगे, जब आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपका लाइव मॉक टेस्ट भी लेंगे। और दोस्तों इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स की फीस बहुत ही कम नाम मात्र हमने रखी हुई है। 4 महीने का यह कोर्स है और आपको केवल 599 रुपये के अंदर हम ये कोर्स दे रहे हैं। बहुत ही कम रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इतने कम रुपए में इतना बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप चाहे ऑफलाइन पढ़ लेना चाहे ऑनलाइन पढ़ लेना, नंबर एक चीज तो आपको कहीं पे भी सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में नहीं मिलेंगे। नंबर दो चीज दोस्तों आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कोई भी नहीं देगा, जो कि हमने बनाए हुए टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, रिसर्च के अलग है, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं देने वाला, आप चाहे कितने भी रुपए में स्टडी कर लेना, लेकिन हम आपको केवल और केवल 599 रुपए के अंदर ये सब दे रहे हैं। और दोस्तों अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी इस कोर्स की फीस बढ़ने वाली है।
तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया वहां से ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को, या फिर आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस कोर्स की ये फीस केवल लिमिटेड टाइम के लिए है, बहुत ही जल्द इस कोर्स की फीस बढ़ने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो पढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग में औसत यानी कि एवरेज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे हुए होंगे क्वेश्चन पेपर में, और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा हमें इनको समझने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं 10 सेकेंड के अंदर। तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसानी से बताएंगे कि आप किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दिसंबर 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि एक ग्रुप में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक ग्रुप में मेंबर है 40 है, 40 मेंबर दिए हुए हैं, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल है 40। अब इसमें पहले 10 सदस्यों का औसत कितना दिया हुआ है, 4.5 दिया हुआ है, ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले 10 का जो औसत है 4.5 यहाँ पे है, और फिर शेष 30 सदस्यों का औसत इन्होंने 35 दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गए, 35 नहीं है, ये 3.5 है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 30 का जो औसत है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल टू 3.5 है। अब देखिए, अब इसने कहा कि पूरे ग्रुप का औसत क्या है, और पूरे ग्रुप का औसत निकालना बिल्कुल आसान है दोस्तों। सबसे पहले 10 को 4.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45 आ जाएगा, और उसके बाद में 30 को जब हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 105 हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये देखिए ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, यानी कि 150 हमारे पास आ गया। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना था, टोटल कितना था, 40 लोग थे। तो इसका औसत क्या होगा दोस्तों, औसत के लिए हम टोटल यानी कि जो हमारा ये आया बटे में जो जितने भी सदस्य हैं बटे में 40, 150 बटे में 40, 0 से 0 कट गई, 15/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। और आगे देखना दोस्तों, यूजीसी ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन देता है, हमेशा एवरेज जो है ना, एवरेज क्वेश्चन देता है यूजीसी, ऐसे नहीं है कि बहुत मुश्किल कभी नहीं देता, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा जून 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि ए बी सी डी चार संख्याओं का माध्य 100 है, चार संख्याएं दी है ए बी सी डी, इनका माध्य कितना दिया, या माध्य मतलब मीन या एवरेज हम कह सकते हैं, वो इन्होंने दिया है 100 दिया है। यदि सी 70 है तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इन्होंने एवरेज दी है, और इन्होंने ये बताया नहीं है कि ए कितना है, बी कितना है और डी कितना है। अब देखिए चार संख्याओं का माध्य कितना है दोस्तों, 100 यहाँ पे दिया है,
तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम टोटल निकालते हैं। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, 4 गुना में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 400 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसने कहा है कि यदि सी 70 है, सी की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने 70 दी हुई है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 400 में से हम 70 माइनस करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 330 हमारे पास आ जाएगा। अब इसने कहा है कि शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा, जो लास्ट में बच गई, कितनी बच गई हमारे पास, 3 संख्याएं बच गई, उनका माध्य क्या होगा। अब देखिए, 330 बटे में 3 करेंगे हम, ये आएगा 110 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और जो 110 है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसान आसान क्वेश्चन यूजीसी दे रहा है। और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा दिसंबर 2013 के अंदर आया था। विद्यार्थियों की एक कक्षा के प्राप्त अंकों का माध्य 65 है, यानी कि एक क्लास है उसके अंदर जितने भी विद्यार्थी है उनके जो अंक आए हैं उनका जो एवरेज है दोस्तों वो 65 यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। कक्षा के आधे विद्यार्थियों का प्राप्त अंक 45 है। अब देखिए, जो आधे विद्यार्थी है उनका जो मध्यांक यानी कि एवरेज है वो कितनी है, 45 है। और सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे, जो टोटल विद्यार्थी है वो कितने हैं दोस्तों, 40 है हमारे पास, टोटल कितने हैं 40, और 40 के सभी का एवरेज कितना है, 65 है। अब यहाँ पे कक्षा के आधे विद्यार्थियों का माध्य 45 है, आधे का मतलब क्या है दोस्तों, 20 जो विद्यार्थी है उनका जो माध्य है 45 है। अब क्या करना है, बचे हुए विद्यार्थियों के प्राप्त अंक का माध्य क्या है वो हमें निकालना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 65 को हम 40 से गुना करेंगे, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 2600 आ जाएगा। और आगे इन्होंने कहा है कि आधे विद्यार्थियों का माध्य कितना है, 45 है, जब हम 20 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 900। अब देखिए, अब हमारे पास कितने विद्यार्थी रह गए, 20 हमारे पास विद्यार्थी रह गए, और यहाँ पे जो अंक है वो कितने रह गए, जब 2600 में से हम 900 माइनस करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 1700 आ जाएगा। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1700/20 यहाँ पे कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, और 2 8 16 2 5 10 यानी कि 85 यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, और जो 85 है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। इसके अंदर क्या कहा है, 210 छात्रों का एक समूह किसी परीक्षा में शामिल हुआ, ठीक है, 210 छात्र है टोटल वो किसी एग्ज़ाम के अंदर बैठे, 1/3 में एक तिहाई में छात्रों का माध्य 60 पाया जाता है, शेष छात्रों का माध्य 78 पाया जाता है, तब संपूर्ण समूह का माध्य क्या होगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आसान है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये। देखिए, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल है हमारे पास 210 है। अब देखिए, 1/3 छात्रों का माध्य 60 है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1/3 कितना होता है 210 का। देखिए, 210 का 1/3 हम निकालते हैं, 210/3 कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, 70 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 70 जो स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना है, 60 दिया है, और शेष छात्रों का 78 पाया जाता है। अब शेष छात्र कितने रहेंगे दोस्तों हमारे पास, वो रहेंगे 140 रहेंगे, ठीक है, 140 का जो माध्य है वो कितना है, 78 दिया है। अब देखिए, अब हमें टोटल का वो अब माध्य निकालना है, तो 70 को 60 से गुना करेंगे, 642 यानी कि 4200 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, और फिर 140 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं अभी करके देख लेता हूँ वो कितना आएगा, 140 मल्टीप्लाई में 78 ये आ जाएगा 10920 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 10920 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर हम जो है पूरा एवरेज निकालेंगे। अब देखिए, इनको जब हम ऐड करेंगे प्लस में 4200, ये 15120 आ जाएगा, 15120 यहाँ से आ गया हमारे पास। अब हमें एवरेज निकालना है टोटल का, तो 15120 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 210 से हम डिवाइड करेंगे। 210 से हम जब इनको डिवाइड करेंगे, जब हम 15120 को 210 से डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारे पास 72 आ जाएगा, और 72 हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहले हमारे पास टोटल जो 210 दिए हुए हैं, 210 में एक तिहाई छात्रों का माध्य 60 दिया है। एक तिहाई का मतलब होता है दोस्तों 70 जो स्टूडेंट है उनका माध्य 60 दिया है, और फिर एक जो बच के शेष छात्र बचे हमारे पास 140 का 78 दिया हुआ है इन्होंने। तो अब टोटल का हमें निकालना है। टोटल का निकालने के लिए पहले 70 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4200 आ गया, फिर 140 को 78 से करेंगे तो 10920 आ जाएगा, और फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से 15120 आ गया। अब 15120 को 210 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन अब की बार भी आने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सालों से आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को करना है, अपने हिसाब से करना, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन किए वैसे ये क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना और देखना इसका आंसर क्या आएगा। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है दोस्तों, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर हमने दिया हुआ है, और इस नंबर से आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। NTA UGC NET यानी NIMS NET, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स, ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोस, 2012 से लेकर 2020 तक ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विद आंसर की, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वीडियोस और नोट्स, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग में 3 से 4 तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसके अंदर काफ़ी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जो UGC नेट के अंदर बार बार पूछी जाती है, जो कॉन्सेप्ट बार बार आता है UGC नेट के अंदर। तो आज हम आपके सामने 3 से 4 तरह के क्वेश्चन लेके आए हैं, इनमें से करीब 10 से 15 बार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, तभी हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो हम यहाँ पे आपके लिए चुनिंदा ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना।
अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा दिसंबर 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था अनुपात का, यानी कि रेशो का, और ये क्वेश्चन हमारा 3 से 4 बार आ चुका है। और अभी जो हमारा रिसेंटली पेपर हुआ था, जून 2019 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे वो हम बिल्कुल आसानी से देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसने दिया है कि दो संख्याएँ जिनका अनुपात कितना है, 3:5, यानी कि रेशो कितना दिया है, 3:5 दिया है। अगर इसमें से 9 को उन संख्या में से घटा दिया जाए, यानी कि ये जो ऊपर रेशो दिया है इसमें से 9 माइनस कर दिया जाए, तो हमारा जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, 12:23 हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या है कि संख्याएं निकालनी है, दी हुई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे मान लिया 3x जो संख्या है, और दूसरी हमने मान ली 5x। अब इसमें क्या करेंगे, अगर उनमें से 9 को घटा दिया जाए तो इनमें हम -9 कर लेते हैं, और यहाँ भी हमने -9 कर लिया। अब देखिए अब जो रेशो है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू 12:23 इसका रेशो हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ गुना करेंगे। 23 है 23 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 12 है 12 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 23 × 3x − 9 लिख लिया, इक्वल टू में क्या होगा, 12 × 5x − 9 ये मैंने लिख लिया। अब देखिए अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 23 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 69, ये आ जाएगा 69x आ जाएगा। माइनस में जब हम 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 207 आ जाएगा, इक्वल टू में। अब ये देखिए 12 × 5 = 60, ये आ जाएगा 60x, और 12 × 9 = 108, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 108 आ जाएगा। अब देखिए अब इसे हम कैसे करेंगे, ये जो 60x है दोस्तों ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ के क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 69 में से जब 60x माइनस होंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, 9x यहाँ पे रह जाएगा, और इक्वल टू में ये देखिए यहाँ पे 207 जो ये है यहाँ पे ये माइनस का है, और यहाँ आके क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए प्लस के 207 है हमारे पास और माइनस के 108, तो यानी कि 207 में से 108 जब हम माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास, 99 यहाँ पे इस साइड में रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 99 है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 11 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 99/9 करेंगे, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, 99/9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब देखिए अब 11 क्या है हमारे, 11x की वैल्यू आई है, और जब ये x की वैल्यू 3x और 5x के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, 3x के अंदर x की वैल्यू रखेंगे तो 11 × 3 = 33 हो जाएगा, एक जो हमारी जो रकम है वो हो जाएगी 33, और दूसरी क्या होगी, 5x की जगह वो 11 रखेंगे तो 11×5 = 55, यानी कि दूसरी क्या हो जाएगी, 55। तो हमारी दोनों की दोनों संख्या क्या होगी, एक होगी 33 और दूसरी होगी 55, तो हमारा जो आंसर होगा वो सी आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे, अच्छे से समझा देंगे। और चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों, उसमें आपको बिल्कुल आसानी से और भी समझ में आ जाएगा अगर कोई कन्फ्यूजन रहा हुआ है तो। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों
ये हमारा जुलाई 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन है दोस्तों, उसी तरीके से हमें करना है। अब देखिए जो संख्या है वो हम x लेके चलते हैं, तो अब देखिए इसमें 2x मान लिया और दूसरी हमने मान ली 5x मान ली। अब देखिए यदि दोनों संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए, अब देखिए इनमें हम 16 16 ऐड कर लेते हैं, इसमें 16 ऐड कर लिया और इसमें 16 ऐड कर लिया प्लस में यहाँ पे, अब देखिए तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डिवाइड कर दिए तो इक्वल टू में किसके हो जाएंगे, 1/2 हो जाएगा। अब दोबारा इसमें वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जब दो को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दो को हम जब 2x प्लस में 16 यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, और इक्वल टू में ये एक है, ये आ गया 5x प्लस में 16 यहाँ पे। अब देखिए 2 × 2 = 4x, 16 × 2 = 32 बराबर में, ये तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा 5x प्लस में 16। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ये जो 4x है इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा दोस्तों, यहाँ हमारे पास केवल x रह जाएगा, यानी कि 5x में से जब 4x जाएगा तो 1x रह जाएगा, और ये जो 16 है दोस्तों 16 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास, 16 रह जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 16 वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए x यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। और अब देखिए अब जो रियल जो हमारी संख्या है वो निकालते हैं, 16 को जब 2x और 5x के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रखेंगे तो 16 × 32, एक जो संख्या है वो हमारी 32 आ जाएगी और दूसरी क्या होगी, 16 × 5 करेंगे तो 16 × 5 = 80, दूसरी क्या आ जाएगी हमारे पास, 80। तो दोनों की दोनों जो संख्या वो क्या हो जाएगी, एक तो 32 हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 80। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा जून 2019 के अंदर आया था। अब ये देखिए ये थोड़ा सा उनसे अलग है लेकिन बिल्कुल आसान है। इसमें कहा है कि यदि 152 को 3, 4, 5 और 7 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाता है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटा भाग क्या होगा। यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि एक संख्या है हमारे पास 152 टोटल, और जो अदर जो संख्या है जो 4 संख्या से मिलके ये 152 बना है तो उनका जो अनुपात है 3, 4, 5, 7 इन्होंने अनुपात दिया हुआ है। तो ये कह रहा कि सबसे छोटा जो पार्ट है यानी कि सबसे छोटा 3 है, यहाँ पे 3 की रियल वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना है। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, 3, 4, 5 और 7 इन सभी को आप काउंट कर लीजिए, ये कितना होगा, ये हमारा होगा दोस्तों 19 हो जाएगा। 3, 4, 5 और 7 ये होता है 19 होता है, ये मान लिया हमने 19x हमने मान लिया। अब देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 152 / 19। अब देखिए दोस्तों 152 को जब हम 19 से कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, अभी देख लेते हैं, मैं डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा 8 आएगा दोस्तों। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 8 आ जाएगी, और जब हम 8 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 × 3 = 24, यानी कि 24 इसका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम अगले तरह का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये देखिए ये थोड़ा अलग टाइप है, ये अनुपात का टाइप नहीं है, ये अलग टाइप आ गया है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है कि ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में कोई ज़्यादा हमें फॉर्मूले वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हम ये क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, 1 से 45 तक की उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित हो एक आरोही क्रम में रखा गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसने कहा है कि द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 45, ऑड नंबर कौन से होते हैं दोस्तों जो 3 से डिवाइड होते हैं, और इसमें कहा है कि विच आर एग्जैक्टली डिवाइड बाय 3, यानी कि जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं उनको हमें काउंट करना है, और 1 से लेके 45 तक हमें काउंट करना है। और आगे देखिए इसने क्या कहा है, द नंबर एट 6th
पोजीशन, जो छठे नंबर पोजीशन पे जो आए वो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आएगा। अब देखिए इसके अंदर ऑड नंबर कौन से होते हैं, यानी कि तीन की काउंटिंग हम कह सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15 और 18। अब देखिए ये सभी के सभी तीन से डिवाइड हो रहे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि छठे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, छठे नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे पे क्या आ रहा है 18 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है, इनमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना और ना ही कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हमारा दिसंबर 2013 के अंदर आया है, ये भी देखिए ये भी बिल्कुल आसान है। इसने कहा है कि निम्नलिखित सीरीज, ये इन्होंने एक सीरीज दी है इतनी बड़ी, इसमें क्या करना है कि कितने युग्मों के बीच में 2 का अंतर है। अब हमें ये ऐसी डिजिट देखनी इनके बीच में कि जिनके अंदर डिफरेंस 2-2 का हो। अब देखिए ये देखिए 6 और 4 इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, फिर आगे हम देखते हैं कि 5 और 3 के बीच में अंतर है, अब देखिए 8 और 6 इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। तो इस तरह से हमें डिजिट देखने कि ऐसे कितने डिजिट बनती है हमारे, कितने युग्म बनते हैं जिनके अंदर 2-2 का अंतर है। तो दोस्तों आप ये बिल्कुल आसानी से देखना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, करके देखना आपको आसानी से ये आंसर आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा दोबारा फिर दिसंबर 2013 के अंदर ही आया था, 0 से लेकर 99 तक की सभी संख्याएं लिखता है, कोई व्यक्ति है जो 0 से लेकर 99 तक संख्याएं लिखता है, उसके बाद क्या करता है, इसमें अंक 3 कितनी बार आया। अब ये कह रहा है कि 3 जो है वो कितनी बार आता है वो हमें पता करना है। अब देखिए 3 कैसे कैसे आ सकता है, जैसे 3 आ गया, 13 आ गया, 23 आ गया, और फिर क्या आएगा, जैसे 30 आ गया, 31 आ गया, 32 आ गया, इस तरीके से ये कह रहा है कि 3 जो है वो कितनी बार काउंट हुआ है ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आप करके देखना, सोच के देखना, आ जाएगा। इसके अंदर ऐसा कोई नहीं है कि हम इसमें कोई फॉर्मूला लगाए या इसकी कोई ट्रिक है, तो ये बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। और अगर फिर भी आपको नहीं आए तो मैं कह रहा हूँ कि आप हमें व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पर, हम आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। पहले वाले क्या थे, हमारे रेशो के क्वेश्चन थे और सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन क्या है कि ये थोड़े हमें पजल कर देते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसमें क्या कहा गया है, यादव अर्जुन राजेश तथा कमल क्रिकेट खेलते हैं, राजेश तथा कमल टेनिस खेलते लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, यादव बैडमिंटन नहीं खेलता परंतु गोल्फ खेलता। अब देखिए कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं हम और हमें पता नहीं चलता कि इसका सही से आंसर क्या है, लेकिन अगर हम इसे सही सिस्टमेटिक ढंग से करें तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसके लिए हम शुरू से ही एक टेबल बना के चलते हैं ताकि हमें आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां से पढ़ते हैं, यादव अर्जुन राजेश तथा कमल क्रिकेट खेलते हैं, तो इनकी हम टेबल बना लेते हैं, यादव को हम लिख लेते हैं वाई लिख लिया हमने, उसके बाद में अर्जुन ये हमने लाइन लगा ली, फिर लिख लिया हमने ए, ए की फिर ये लाइन लगा ली हमने, उसके बाद में राजेश, राजेश का आर लिख लिया, फिर ये लगा ली हमने लाइन, उसके बाद में कमल, कमल का हमने लिख लिया के, फिर हमने ये लाइन लगा ली। ये क्या है कि चारों के चारों क्या है, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के लिए ऊपर से हम इस तरीके से टेबल बना लेंगे, ये हमने बना ली और यहाँ पे ऊपर हमने हम लिख लेंगे यहाँ पे क्रिकेट यानी कि सी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये चारों के चारों क्रिकेट खेलते हैं तो यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं कि ये सभी के सभी खेलते हैं क्रिकेट। उसके बाद में देखिए राजेश तथा कमल टेनिस खेलते हैं, अब देखिए राजेश और कमल क्या है वो टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस का हम यहाँ पे कॉलम बना लेते, ये बना लिया राजेश और कमल टेनिस खेलते तो इनके आगे टिक कर देते हैं। उसके बाद क्या है, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, अब फुटबॉल का यहाँ पे ये बना लेते हैं, फुटबॉल का हम लिख लेते हैं एफ, फुटबॉल ये दोनों के दोनों नहीं खेलते। उसके बाद क्या है, यादव बैडमिंटन नहीं खेलता परंतु गोल्फ खेलता है, अब देखिए दो चीज़ और रही आ गई यहाँ पे, एक बैडमिंटन आ गया एक गोल्फ आ गया, तो इनका भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे हमने बी बना लिया बैडमिंटन का और जी बना लिया हमने गोल्फ का। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यादव जो है बैडमिंटन नहीं खेलता, यादव ये रहा हमारा, बैडमिंटन ये रहा, इस पर हम कट कर देते हैं, बैडमिंटन नहीं खेलता परंतु गोल्फ खेलता है, गोल्फ के आगे हम टिक कर देते हैं। अब देखिए आगे क्या है, अर्जुन टेनिस नहीं खेलता,
अब देखिए अर्जुन कहाँ है, अर्जुन हमारा ये, अर्जुन जो है टेनिस नहीं खेलता, तो यहाँ पे हमने जो क्रॉस कर दिया। उसके बाद में कि ये फुल स्टॉप है दोस्तों, गलती से हो गया। कमल कभी कभी बैडमिंटन खेलता है, कमल क्या है, वो बैडमिंटन खेलता है। कमल कहाँ पे हमारा, ये रहा कमल, कमल क्या है, बैडमिंटन खेलता है। ये यहाँ में, यहाँ पे हमने इस पर राइट क्लिक कर दिया। अब देखिए कौन केवल क्रिकेट खेलता, अब हमें बताना कि ऐसा कौन सा बंदा है जो केवल और केवल क्रिकेट खेलता और कुछ नहीं खेलता, वो हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे ग्राफ में देखिए जो केवल क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट का हमारा ये कॉलम है, इसके अंदर केवल क्रिकेट खेलने वाला कौन है, ये देखिए ये हमारा अर्जुन है। ठीक है, अर्जुन केवल और केवल क्रिकेट खेलता और कुछ भी नहीं खेलता, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ये रहा अर्जुन कुल अस। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई, ये पूरी की पूरी टेबल से हमारा जो आंसर है बिल्कुल आसानी से आ गया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन करना है एग्ज़ाम के अंदर, बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा अभी तक दो बार आया है, और अब की बार भी मेरे को शक है कहीं ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए तो मैं करवा देता हूँ। ये देखिए जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से सतत प्रकार के डेटा की पहचान कीजिए। सतत प्रकार का डेटा वो होता है जो कंटिन्यूस चलता रहे, उसे हम कहते हैं। अब देखिए कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जो चलता रहे, जिसका कोई पैटर्न ना हो, उसे हम कहेंगे। अब देखिए इसमें किस तरह से इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए। एक व्यक्ति द्वारा बोले जा सकने वाली भाषाओं की संख्या, अब देखिए एक व्यक्ति है उसकी संख्या को हम काउंट कर सकते हैं अच्छे से, हमें पता है कि कोई व्यक्ति दो बोलता है, चार बोलता है, कितनी बोलता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। उसके बाद में घर में बच्चों की संख्या, ये भी हम अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक घर में चार बच्चे, दस बच्चे, कितने बच्चे, वो हमें सभी का पता होता है। अब आगे कि शहर की जनसंख्या, ये भी हम अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि एक शहर की संख्या कितनी है, इतने लाख जनसंख्या है। अगला है हमारा एक कक्षा में छात्रों का वजन, अब देखिए ये हमारा ऊपर नीचे हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कंटिन्यूस तरीके से बढ़ सकता है और घट भी सकता है। तो ये देखिए जो वजन है वो हो सकता है किसी का, मान के चलते कि 40 किलो हो, दूसरे बच्चे का 40.5 किलो हो, तीसरे बच्चे का 35 किलो हो, तो ऊपर नीचे ये इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से कंटिन्यू हो सकता है। ये हम ये नहीं कह सकते कि एक क्लास है उसके अंदर सभी बच्चों का वज़न है वो 45 किलो है, ये ऐसे हम नहीं कह सकते, बिल्कुल सही रूप से इसको नहीं कह सकते। तो इसका जो आंसर होगा ये कक्षा में छात्रों का वज़न, इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करें दोस्तों, हमारी तरह से इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर किसी दोस्त को इस क्वेश्चन का आंसर देने का और भी कोई तरीका पता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से यही एक तरीका, इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। NTA UGC NET यानी NIMH NET, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स, ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोस, 2012 से लेकर 2020 तक ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विद आंसर की, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वीडियोस और नोट्स, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से।
हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों मैथमेटिकल रीजनिंग में वैसे तो बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आपको वो क्वेश्चन जरूर करवाएं जो यूजीसी नेट के अंदर बार बार आते हैं या कभी ना कभी आए हैं और उनमें से कभी संभावना बनती है दोस्तों वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ और ऐसे टाइप्स लेके आए हैं जो यूजीसी नेट के अंदर आए हैं और जो हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान। जो हमारा न्यू सिलेबस आया है दोस्तों यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए, तो उसके अंदर एक और टॉपिक नया ऐड हुआ है मैथमेटिकल रीजनिंग में, साधारण ब्याज, मूलधन और मिश्र धन वगैरह के बारे में ये टॉपिक ऐड हुआ है। इसमें से 2019 में क्वेश्चन आए हैं, एक दो पहले इसमें से क्वेश्चन नहीं आए, तो संभावना है कि आगे जो एग्ज़ाम हो हमारा दिसंबर का उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे। इसमें देखिए दोस्तों, वैसे तो हमने जो हमारी पिछली क्लासेस होती थी 10वीं क्लास में हमने पढ़ाया, 8वीं क्लास में पढ़ाया साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, वही कॉन्सेप्ट है हमारा, लेकिन अब थोड़ा सा हमें इसे रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है और साधारण ब्याज मूलधन वगैरह क्या होते हैं ये देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन वो होता है दोस्तों जो हमारी शुरू की जो कॉस्ट होती है, जो पैसे हम किसी से लेते हैं, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसे हम कहते हैं मूलधन कहते हैं। दर कहते हैं यानी कि जो रेट होता है, यानी कि 2% सैकड़ा ब्याज लिया है, 10% लिया है, या जितने प्रतिशत भी हुआ होता है उसे हम कहते हैं रेट या दर कहते हैं। फिर समय यानी कि कितने टाइम के लिए हमने ब्याज लिया है, तो वो होता है। और उसके बाद में जैसे कि हम बात करते हैं कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इसका है दोस्तों मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। और ये हमने जो पिछली क्लासेस होती थी 10वीं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद में आता है दोस्तों, अगर हमारे पास दर निकालनी हो, दर नहीं दी हुई, ब्याज मूलधन समय दिया हुआ हो, तो दर कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला ये है दोस्तों, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय, तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, अगर हमारे पास समय ना दिया हुआ हो और मूलधन दिया हुआ हो, दर ब्याज दी हुई हो, तो इसका फॉर्मूला ये है, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में दर। और उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट आता है वो है दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला वो ये है दोस्तों, मूलधन इंटू में 1+ में दर बटे में 100, ये इसका फॉर्मूला है। और इसकी जो पावर है दोस्तों वो होगी समय होगी, और उसमें से फिर जो मूलधन हमारा है वो हम माइनस कर देंगे। और एक और चीज़ इसके अंदर आती है दोस्तों, वो है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस में मूलधन का जोड़ होता है। तो दोस्तों ये बेसिक फॉर्मूले है, आप एक बार इन सभी को देख लेना, याद कर लेना जैसे तैसे करके, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है दोस्तों। अब इसमें ये देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। सालाना 12% की दर से एक निश्चित राशि को दोगुना होने में कितना समय लगेगा? ये कह रहा है कि हमारे पास कोई राशि है और उस पर 12% का ब्याज लगाते हैं, तो उसे दोगुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पे राशि है वो नहीं दी हुई, वो हमें अज्यूम करनी पड़ेगी। अब हम मान के चलते हैं कि हमने मान लिया कि जो मूलधन है हमारा वो हमने मान लिया दोस्तों 200 हमने मान लिया, और जो दर है दोस्तों, दर कितनी है यहाँ पे 12%। ये दोस्तों माना है दोस्तों, ये एज्यूम किया है हमने। और अब देखिए इसके अंदर क्या पूछा हुआ, टाइम हमें निकालना है, समय यहाँ पे हमें निकालना है, और जो ब्याज है दोस्तों, ब्याज क्या होगा? अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे इसने कहा है कि एक निश्चित राशि को दोगुना होने में, यानी कि वो दोगुना हो जाते हैं कुछ टाइम बाद में, कितनी हो जाती है? दोगुना हो जाती है। तो यहाँ पे हम 200 का दोगुना कितना होगा दोस्तों? 400 होगा। तो ब्याज कितना होगा दोस्तों? ब्याज जो है इंटरेस्ट कितना होगा? 400 माइनस में 200 हम कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 200 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया ब्याज, आ गया 200 रुपये ब्याज लगा है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास ब्याज आ गया, तो इसका समय कैसे निकालेंगे ये देखिए। अब देखिए दोस्तों, ब्याज यहाँ पे हमने निकाल लिया, 200 रुपये निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम निकालेंगे। टाइम किस तरीके से निकालेंगे उसका फॉर्मूला देखिए दोस्तों, यहाँ पे है ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में दर। तो यहाँ पे इसको रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ब्याज
गुना में 100, ये मूलधन गुना में दर, ठीक है। ब्याज हमने कितना निकाला, 200 गुना में 100। मूलधन कितना था हमारे पास, 200 ही हमारे पास मूलधन था। हमने माना था ना कि माना कि शुरू के जो हमारे अमाउंट होगी वो 200 रुपये, और जमा में ये क्या दर, दर कितनी है 12%। अब 200 से 200 कट गया, अब 12 से जब हम 100 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8.33 यहाँ पे हमारे पास आएगा। और 8.33 को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, 8 साल और 4 महीने हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर डी आ जाएगा। तो इसी तरीके से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देंगे वो हमें करने होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, आप इन फॉर्मूले को याद रखना। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस तरह के क्वेश्चन जून 2019 के अंदर आए थे। और इसके अंदर क्या कहा जाता है कि इसके अंदर हमें एक सीरीज दी जाती है, जैसे 1 से लेके 50 तक, 100 से लेके 200 तक, और उनमें पूछा जाता है कि इनमें इवन नंबर का जोड़ क्या होगा या नेचुरल नंबर का जोड़ क्या होगा। तो इन क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, बिल्कुल आसानी से ये देखते हैं। ये देखिए, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। इसने कहा है कि शुरू के 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से कंटिन्यू जो चलती जाए उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये कहते हैं कि 1 से लेके 50 तक जो संख्या है उनका जोड़ कितना होगा वो हमें बताना है। अगर हम ऐसे मैन्युअली जोड़ने लगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए, इसे फॉर्मूले के थ्रू किस तरह से करेंगे। ये देखिए, इन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अब बात आती है एन, एन यहाँ पे क्या होगा, एन वो होगा जो सबसे लास्ट की जो टर्म हमें दी हुई होती है वो एन एन होता है। अब देखिए, इसमें ये फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, एन यानी कि 50 × एन प्लस में 1, यानी कि 50 + 1 यहाँ पे हमने कर दिया, और बटे में 2 हमने यहाँ पे कर दिया इस तरीके से। अब देखिए, 2 से ये 50 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 25 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, आगे हम लिख लेते हैं 25 × 51 हो गया, ठीक है। अब 25 को 51 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 1275 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगते हैं ये सब करने में, लेकिन अगर आप मैन्युअली तरीके से करते हैं, जोड़ जोड़ के देखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमें फॉर्मूले भी याद होना ज़रूरी है। फाइंड द सम ऑफ ऑल फर्स्ट 50 इवन नंबर, यहाँ पे अगर इवन नंबर दे दिया जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, n × n + 1, इसका क्या होगा 50 × 50 + 1। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 × 51। जब हम 50 और 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 2550, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। और अगर ये ओड नंबर की बात कर ले, यानी कि विषम संख्या की बात कर ले, तो उसका फॉर्मूला ये लगेगा, इवन वो होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 को हम इवन नंबर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादा बार तो नहीं आया है, अभी आया है, जून 2019 में आया, पहले इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना दे लेना, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है हमारा करीब 3 से 4 बार अभी तक आ चुका है, और ये जून 2019 के एग्ज़ाम में भी आया था इस तरह का क्वेश्चन। इसमें क्या होता है दोस्तों, 4 चीज़ें दी हुई होती हैं और उनमें पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ों से अलग है, वो हमें बताना है। अब इसमें जैसे लखनऊ, ऋषिकेश, इलाहाबाद, पटना यहाँ पे दिया हुआ, हमें बताना कि कौन सा अलग है। यहाँ पे जो लखनऊ है दोस्तों वो सबसे अलग है, क्योंकि लखनऊ जो है गोमती के किनारे बसता है, और ऋषिकेश, इलाहाबाद और पटना ये गंगा किनारे बसते हैं। तो इस तरह से हमें अलग देखना कि कौन सा अलग है। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए दोस्तों, उदाहरण 48,
एक शब्द का चयन करे जो समूह में दूसरे शब्दों से मेल नहीं खाता। अब देखिए यहाँ पे कैलेंडर है, तिथि है, मास है, दिवस है। अब यहाँ पे बिल्कुल आसानी से हम देख सकते हैं कि कैलेंडर, मास, तिथि ये सारी की सारी किसके अंदर आती है, कैलेंडर के अंदर आती है। ये जो तीनों बी सी डी कैलेंडर के पार्ट है, तो जो कैलेंडर है वो थोड़ा अलग हो जाएगा इससे। आगे की 49 नंबर उदाहरण है, निम्नलिखित ऐसे शब्दों का चयन करें जो समूह में दूसरे शब्दों से मेल नहीं खाते। अब देखिए मयूर दिया है, गिद्ध दिया है, हंस दिया है, चिड़िया दिया है। तो इसके अंदर जो हंस जो है, हंस बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? इन सब में केवल हंस ही जल पक्षी है। हंस क्या है? जो पानी में तैरता है। लेकिन और जो है चिड़िया है, गिद्ध है, वो मयूर है, वो पानी में तैरते नहीं है। हाँ वैसे नॉर्मली तैर सकते हैं वो, लेकिन उनकी फितरत नहीं है तैरना। ज़्यादातर हंस ही पानी के अंदर तैरता हुआ हम देखते हैं। और इसके अलावा जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर कि इन्होंने दिया हुआ जैसे लोहा, कॉपर, अब जिंक के आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों के अंदर रिलेशन देखना होता है। इन तीनों के अंदर भी हम रिलेशन देख सकते हैं क्या रिलेशन है, और फिर इसमें से देखते हैं कि कौन इनमें से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निकल और लोहा, पावर, जिंक, ये क्या है कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो ये क्या होगा? ठोस धातु होगी ये हमारी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो ए, बी और डी क्यों नहीं होगा, वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता। जो कार्बन जो होती है वो क्या होती है? गैस के रूप में होती है। और जो पारा जो होता है वो हमारा लिक्विड रूप में होता है। तो इस तरह से ये जो निकल जो है ये इन चारों से, तीनों से अलग है। तो यहाँ से हमें आंसर निकल जाएगा। अब आगे है दोस्तों हमारे पास आलू, गाजर, मूली। अब इन तीनों से देखते हैं कि कौन सा मेल खाता है। अब देखिए इसने दिया है टमाटर, पालक, तिल और मूंगफली। अब देखिए यहाँ पे आलू, गाजर, मूली ये तीनों के तीनों क्या है? ज़मीन के अंदर उगते हैं, यानी कि एज ए जड़ टाइप में होते हैं ये। इसी तरीके से जो मूंगफली है वो भी ज़मीन के अंदर उगती है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो जिनकी संभावना बनती है आगे आने की। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे। इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। NTA UGC नेट यानी निमिज नेट, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स, ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोस, 2012 से लेकर 2020 तक ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विद आंसर की, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वीडियोस और नोट्स, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट पर। दोस्तों आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो सन 2008 से लेकर जून 2019 तक आए हैं। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है दोस्तों इन क्वेश्चन में बिल्कुल डिट्टो कॉपी स्टेटमेंट होते हैं और उनके जो ऑप्शन होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि UGC नेट के अंदर हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर उन क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से हम एग्ज़ाम कर सकते हैं और अपना नेट प्लस में JRF बिल्कुल आसानी से हो सकता है।
तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए। ये देखिए, ये जून 2008 का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर ये क्वेश्चन देखिए। अगर एक वस्तु को 11% की हानि से 178 रुपये में बेचा गया है तो उसे 11% लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। यहाँ से देखिए ये क्या कह रहा है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। कोई वस्तु है, उसे हम 11% हानि पे 178 रुपये में बेचते हैं, उसी वस्तु पर अगर हमें 11% का लाभ चाहिए तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा, ये यहाँ पे बात कह रहा है। अब यही क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों दोबारा कब आया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 26 जून 2019 मॉर्निंग का पेपर है, इसके अंदर ये क्वेश्चन देख सकते हैं 25। इसमें कहा है ए पर्सन इंश्योर 10% लॉस बाय सेलिंग ए वॉच फॉर रेट 1800 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति है जो 10% हानि पर किसी वस्तु को यानी कि वॉच को 1800 रुपये में बेचता है। एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच वी शुड टू अर्न 10% प्रॉफिट, यानी कि उसी वॉच को 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। और इसी तरह का क्वेश्चन दोबारा फिर आया था जो 26 जून 2019 इवनिंग की जो शिफ्ट थी उसमें दोबारा फिर ये क्वेश्चन आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन किस तरह से हम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमें इनका फॉर्मूला पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दो फॉर्मूले से हमारा ये क्वेश्चन निकलेगा। अब देखिए, हानि होने पर क्रय मूल्य, अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बेचने की बात कर रहा है, ये इसने चीज़ बेची है तो अब लाभ कमाने के ये अब देखिए 11% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा, यानी कि यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य पता करना। तो इससे पहले हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए कि वो वस्तु कितने रुपए में उसने खरीदी है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ये दिया हुआ है दोस्तों, हानि होने पर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है दोस्तों जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य वो होता है जिस कीमत पर हम कोई वस्तु बेचते हैं। अब देखिए, हानि होने पर क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस में हानि प्रतिशत। अब इसके अंदर ये देखते कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है इसके अंदर कहाँ पे किस तरीके से बैठता है। अब देखिए, इसके अंदर विक्रय मूल्य क्या होगा, 178 रुपये होगा, और हानि प्रतिशत क्या होगी हमारी, 11% होगी। तो अब इसका हम क्रय मूल्य निकालते हैं, हानि होने पर क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को हम यहाँ पे के लिख देते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य हमने के लिख दिया। ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस में जो हानि प्रतिशत है वो लिख देते हैं। हानि प्रतिशत कितना अपना यहाँ पे 11% है। तो अब इसमें पूरा का पूरा लिखते हैं, इसमें विक्रय मूल्य कितना है, 178 गुना में 100 बटे में 100 माइनस में 11। अब ये देखिए, 178 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये आ जाएगा 178, और लास्ट में 20 लग जाएगी। और फिर नीचे क्या होगा, 100 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 89 यहाँ पे आ जाएगा। जब हम 17,800 को इसको 89 से कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 200 यहाँ पे
आ जाएगा। अब देखिए 200 हमारे पास क्या है, ये है हमारा क्रय मूल्य है दोस्तों, जिस कीमत पे हमने चीज़ खरीदी है वो है। अब आगे हमें क्या निकालना है, अब 11% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा, अब हमें इसका विक्रय मूल्य निकालना है यानी कि सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। और ये जो अभी हमने 200 निकाला ये है कॉस्ट प्राइस है हमारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान में रख लेना, हमने जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी निकालनी है, निकाली है 200 रुपये निकाली है, और 200 रुपये निकालने का जो फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल ली यानी कि CP निकालनी, अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे SP निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये है, लाभ होने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है क्रय मूल्य इंटू में 1+ में लाभ प्रतिशत बटे में 100। अब देखिए ये इसके अंदर हम रख के देखते हैं। अब देखिए जो SP है हमारा, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, ये था हमारा कॉस्ट प्राइस CP। अब देखिए सेलिंग यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब देखिए अब इंटू में 1% में जो लाभ है हमारा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रतिशत बटे में 100, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, एक मिनट ये थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर हम पूरा का पूरा फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। अब देखिए जो विक्रय मूल्य वो निकालेंगे, तो यहाँ पे क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना निकाला था दोस्तों हमने, 200 रुपये निकाला था, इंटू में 1 जमा में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 11% है, 11 बटे में यहाँ पे हमने लिख दिया 100। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, थोड़ी जगह कम है इसमें, यहाँ पे ये आ गया हमारा 200 इंटू में, अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक एक के साथ तो 100 रहेगा, 100 जमा में 11, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 111 बटे में 100। ये दोस्तों इस तरीके से जो जमा करते हैं ये हम सभी को आता है, नॉर्मल चीज़ है, शायद ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब देखिए अब आगे क्या होगा दोस्तों, अब ये होगा जैसे कि 2 जीरो से 2 जीरो हमारी ये कट गई, और जब 111 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास 222 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और 222 जो है दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका आंसर। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं दोस्तों, और मेरे को लग रहा है कि शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर, भाई पता नहीं कैसे करके क्या निकाल दिया। आप सभी केवल और केवल एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ये जो दो फॉर्मूले हैं आप इनको रट लेना, याद कर आप इन दोनों को ज़रूर याद रखना, क्योंकि इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन निकलेगा। अब देखिए अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ये जो क्वेश्चन आया हमारा 26 जून 2019 को आया था, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या कहा है कि एक जो है वॉच है वो 10% हानि पे 1800 रुपये में बेची जाती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या है दोस्तों, इसका क्रय मूल्य पता करना है यानी कि CP हमें पता करना है। अब देखिए इसका वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि क्रय मूल्य किसके इक्वल होगा दोस्तों, इंग्लिश में इसे हम CP कहेंगे, ये क्या होगा हमारा जो विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस में जो हमारा लॉस हुआ है वो, ठीक है। अब विक्रय मूल्य हमारे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1800 रुपये गुना में 100 हमने कर दिया, बटे में क्या होगा 100 माइनस में लॉस कितना था हमारा 10, यानी कि 10 जब 100 में से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 90 हो जाएगा। और जब हम अब देखिए 0 से 0 ही कट गया, 9 × 2 = 18 2 00 200 ये आ गया, और 10 ये टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 2000 रुपये आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2000 रुपये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, SP है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए क्रय मूल्य हमें निकालना है, ये देखिए ये हमारा विक्रय मूल्य है,
10% लाभ पर, सॉरी 10% हानि पर किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचा जाता है, और जो चीज़ बेची जाती है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अब आगे देखिए इसमें क्या कहा है, एट विच प्राइस शुड द वॉच वी सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट। अब 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। अब बेचने से पहले हमारे पास क्रय मूल्य होना चाहिए, और CP जो है इसका जो फॉर्मूला था वो मैंने पीछे भी बताया है, यानी कि विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस में जो हमारी हानि हुई है वो। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले में जब हम इस क्वेश्चन को रखेंगे तो हमारे पास 2000 आ जाएगा। अब देखिए 2000 हमारा क्या आया है, ये हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आया है। अब हम आगे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय यानी कि विक्रय को वी से डिनोट कर देते हैं, इसको इंग्लिश में SP, ठीक है। अब देखिए, अब जो फॉर्मूला था हमारा वो था क्या था, क्रय मूल्य यानी कि CP इंटू में 1% जमा में जो हमारा प्रॉफिट है वो P बटे में 100, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम पूरा का पूरा रखने की कोशिश करते हैं, क्रय मूल्य कितना था दोस्तों हमारे पास 2000 रुपये इंटू में 1 जमा में प्रॉफिट कितना है 10% है बटे में 100। अब देखिए, अब वही काम करेंगे जो पीछे किया था हमने, ये 2000 का 2000 रखेंगे, 100 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100 ही आएगा, 100 में जब 10 ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुकिए ये एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, गुना में यहाँ पे 110 बटे में यहाँ पे हमारे पास 100, 20 से हमारी ये 20 कट गई। अब देखिए, अब 20 को जब हम 110 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 2200 रुपये आ जाएगा, और जो 2200 जो आंसर है दोस्तों ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है ये, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ऐसी बात भी नहीं है कि ये आ नहीं सकता। अगर किसी दोस्त को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप इसको, इस वीडियो को आप दोबारा देखना, और किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी हमारा इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आप करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताना। अब देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा लॉस एंड प्रॉफिट से बिल्कुल अलग है, ये है हमारा जो टाइम एंड डिस्टेंस है उससे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे आए हैं। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, 2 साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पैलेस इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि 2 साइकिल वाले हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। 1 goes toward north at 9 km/h, एक बंदा है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 9 km/h की स्पीड से, और जो दूसरा जो बंदा है अदर गोज टुवार्ड साउथ 10 km/h की स्पीड से। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए ये एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे 2 साइकिल वाले हैं। अब एक क्या कर रहा है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और जो दूसरा है वो साउथ की तरफ जा रहा है, दोनों के दोनों अलग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब एक बंदा है जो वो है 9 km/h की स्पीड से जा रहा है और जो दूसरा है वो 10 km की स्पीड से जा रहा है। अब आगे इसने कहा है कि व्हाट टाइम विल वी टेक टू वी 47.5 km अपार्ट, यानी कि दोनों एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर दूर जाने में उनको कितना टाइम लगेगा, ये बात ये यहां पे पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अगर ऐसे देखा जाए तो काफी डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या है, कौन कहां पे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो हम इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है हमें कि ये जब चलेंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे और जो टाइम लगेगा दोनों में बराबर बराबर टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ये 47.5 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम दोनों को 2 घंटे लगाते हैं, मान के चलिए 9, इसमें भी 2 घंटे लगाते हैं और इसमें भी, तो ये क्या हो गया 9 दुनी 18 घंटे हो गए, ये क्या हो गया 10 दुनी 20 घंटे हो गए, तो ये कितने हो गए दोस्तों, ये 38 घंटे हमारे पास हो गए। तो सबसे पहली बात हमारी क्या आ रही है दोस्तों, वो या तो ए ऑप्शन होगा या फिर हमारा 4 ऑप्शन यानी कि 4th ऑप्शन होगा, इन दोनों ऑप्शन में से एक होना चाहिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर हम ये दोनों के दोनों यूज़ करके देखेंगे, एक बार तो ये यूज़ करके देखेंगे, एक बार ये यूज़ करके देखेंगे। अब देखिए इनको हम कैसे लागू करेंगे, ये देखिए अब हम ये ढाई घंटे लेके चलते हैं, ढाई घंटे का मतलब कितना होता है दोस्तों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाई
9 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, जब हम 2.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 22.5 किलोमीटर आ जाएगा। अब दूसरा जो 10 है इसको यूज़ करके देखते हैं, 10 गुना में अब दोबारा से फिर इसमें 2.5 घंटे करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 25। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते तो ये आ जाए दोस्तों हमारे पास 47.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो यही क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अभी तक बहुत बार आ चुका है और ये क्वेश्चन अब दोबारा आने स्टार्ट हो गए हैं। पहले क्या था, ये सन 2011 से पहले काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग करवाई थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और उस टाइम हम करवाना भूल गए थे, तो अब कर लेते हैं। अब देखिए, इसने कहा है कि बैट को कोई आदमी 23 लिखता है और कैट को 24 लिखता है, तो बॉल को किस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए बैट को 23 किस तरीके से लिखते हैं, अब देखिए मैंने बताया था बी है वो कितने पे दोस्तों 2 पे है, ए है वो कितने पे 1 पे, टी कितने पे 20 पे। अब इन तीनों को प्लस कीजिए, ये कितना हो गया हमारे पास 23 हो गया। इसी तरीके से कैट है, कैट हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैट। अब देखिए कैट सी कितने पे 3 पे, ए कितने पे 1 पे, टी कितने पे 20 पे, और ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 24, यानी कि 24 हो गया। इसी तरीके से बॉल है, बॉल कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, तो बॉल के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए बी ए डबल एल, तो बी कितने पे 2 पे, ए कितने पे 1 पे, एल कितने पे 12 पे, और एल दोबारा कितने पे 12 पे। अब इन सभी को प्लस कीजिए, प्लस करने पे क्या होगा दोस्तों, 12 दोनी 24, 25 26 27, ये कितना आ गया 27 यहाँ पे आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, और ऐसे ही ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप करके देखना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ये करके देखना। और इसके अलावा जैसे हाँ एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पहले आया है, काफ़ी बार आए हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए करना ज़रूरी है। अब देखिए इसमें इसने क्या कहा है, इन ए सर्टेन कोड 786 को क्या लिखा जाता है, स्टडी वेरी हार्ड। 786 को क्या लिखा जाता है दोस्तों, स्टडी वेरी हार्ड, और 958 को क्या लिखा जाता है, हार्ड वर्क पेज, ये लिखा जाता है, और 645 को क्या लिखा जाता है, स्टडी एंड वर्क, इस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो आगे ये कह रहा है विच ऑफ द फ्लोविंग इज द कोड वेरी, अब वेरी के लिए क्या शब्द यूज होगा, 8 होगा, 6 होगा, 7 होगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइन, इनमें से क्या होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे 786 को स्टडी वेरी हार्ड लिखा जाता है और 958 को हार्ड वर्क पेज लिखा जाता है। अब सबसे पहले इन दोनों के अंदर देखिए 786 और 958 के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे आप 8 देखिए, 8 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि इनके अंदर स्टडी वेरी हार्ड यहाँ से यहाँ तक और हार्ड वर्क पेज, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन चीज़ है, इन दोनों के अंदर आपको क्या लग रहा है। अब देखिए इसके अंदर हार्ड है और इसके अंदर भी हार्ड है, अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हार्ड है हार्ड को हम क्या दे देंगे, मार्क 8 दे देंगे, 8 हम मान लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, अब 645 को क्या लिखा जाता है, रुके मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, रुके, हाँ अब देखिए 645 को क्या लिखा जाता है, स्टडी एंड वर्क लिखा जाता है। तो अब देखिए स्टडी एंड वर्क, स्टडी की बात कहाँ पे चल रही है, अब यहाँ यहीं पे चल रही थी, और इसमें देखिए यहाँ पे स्टडी है और इसमें भी स्टडी है, तो इन दोनों में 786 में और 645 में क्या कॉमन है वो चीज़ देखिए। अब देखिए यहाँ पे 6 है और इसमें भी 6 है, तो 6 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, स्टडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, ये जो स्टडी है, एक मिनट दोस्तों, ये जो स्टडी है इसको हमने लिख लिया 6, और जो हार्ड है, हार्ड का आया था हमारा यहाँ पे 8, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब आगे हम क्या देखते हैं कि ये कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड वेरी, वेरी जो कोड है उसका मतलब क्या होगा। अब देखिए वेरी कहाँ पे है, कौन से सेंटेंस में है, 786 वाले में है, स्टडी वेरी हार्ड। अब देखिए स्टडी का हमने 6 निकाल लिया, हार्ड का हमने 8 निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, वेरी बच गया ओनली। और यहाँ पे कौन सा अक्षर बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया ओनली 7 बच गया, क्योंकि 8 और 6 का हमने दोनों का कोड निकाल लिया है, तो वेरी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, यहां पे आप मैसेज कीजिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। NTA UGC NET यानी NIMS NET, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स, ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोस, 2012 से लेकर 2020 तक ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विद आंसर की, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वीडियोस और नोट्स, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निम्मे है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल NIMS NET प्रो पे। दोस्तों आज हम NTA UGC NET मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर बात करने वाले हैं, नाव और धारा से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये दोस्तों अभी हमारे जो एग्जाम हुए हैं 2020 में उसमें इससे क्वेश्चन आए हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी शिफ्ट ज़्यादा आने लगी है, पहले एक ही शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम होते थे लेकिन अब क्या है कि बहुत शिफ्ट आती है, तो UGC NET ने जो टॉपिक है वो बढ़ा दिया है, हर यूनिट में काफ़ी टॉपिक ऐड कर दिए, तो इसलिए सभी टॉपिक के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में नाव और धारा से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें उनको सोल्व करना है ये सभी हम जानेंगे, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं नाव और धारा के बारे में। देखिए इसके अंदर दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो धारा के साथ में नाव की स्पीड क्या होगी, एक धारा के विपरीत क्या होगी। जैसे नहर में पानी जा रहा है, एक तो पानी के साथ में हम तैरें तो हम बिल्कुल आसानी से तैर लेंगे, एक उसके विपरीत अगर हम तैरेंगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हमें होगी। ठीक है, तो नंबर एक पे आता है दोस्तों अनुकूल धारा। अनुकूल धारा यानी कि डाउनस्ट्रीम इसको कहते हैं, यदि नाव की चाल और पानी के बहने की चाल एक ही दिशा में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुकूल धारा कहेंगे या फिर डाउनस्ट्रीम उसको कहेंगे।
आगे दोस्तों हमारे पास प्रतिकूल धारा। प्रतिकूल धारा का मतलब है अपस्ट्रीम। इसका मतलब है यदि नाव की चाल और पानी के बहने की चाल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उसे ऊर्ध्व प्रवाह या प्रतिकूल धारा उसके हम कहेंगे। ठीक है, ये यानी कि ये उल्टी होगी, एक दूसरे के अपोजिट ये होगी। तो अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें कैसे सोल्व करना है। देखिए इसमें ट्रिक नंबर एक है। ट्रिक नंबर एक के अंदर क्या है, यदि किसी नाव की शांत जल में चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में मतलब कोई तालाब है, उसके अंदर पानी चल नहीं रहा ना, वो स्थिर है। उसके अंदर अगर पानी जो नाव है उसकी चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी धारा की दिशा में, यानी कि जहां पे पानी बह रहा है उसी दिशा में नाव की चाल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं धारा की विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या चाल होगी उसकी। देखिए नाव की चाल जो है, नाव की चाल क्या होगी, x माइनस में y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि x क्या होगा हमारा, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर, और ये y क्या होगी, ये धारा की चाल। यानी कि जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विपरीत दिशा में नाव की चाल हमारा आ जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवा देता हूँ जिससे आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। शांत जल में एक नाव की गति कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है ना। देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, 10 प्लस में 3 हो जाएगा, 13 घंटे प्रति किलोमीटर हो जाएगा। और विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी, 10 माइनस में 3, यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। देखिए कितना ईजी है ना। ये देखिए हमें बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों के बारे में हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर दो ट्रिक के अंदर क्या है, यदि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उस दौरान क्या होगा, यानी कि एक तो हमने धारा के साथ में दे दी 1 किलोमीटर, ठीक है, और धारा के विपरीत कितनी दे दी हमें, 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे दी। अब हमें क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, शांत जल में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, धारा की दिशा में प्लस में धारा के विपरीत, दोनों की जो चाल है वो ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, शांत जल में नाव की चाल, ये हमारा आंसर आ जाए, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे पास धारा का वेग क्या होगा, यानी कि ये तो हमने क्या है, शांत जल में नाव की चाल। अब धारा का वेग हम निकालेंगे, किस स्पीड से पानी चल रहा है उसकी स्पीड हम निकालेंगे, तो ये क्या होगा, a माइनस में b, यानी कि धारा की दिशा में चाल माइनस में धारा के विपरीत चाल, ये हम उसका माइनस करेंगे, a माइनस में b करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा धारा का वेग आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, वो हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। एक तैराक की धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है कि एक तैराक है, वो तैर रहा है ना, आप भी तैरे होंगे, किसमें, जोहड़ में तैरे हो या नहर में तैरे हो, किसमें तैरे हो? और जो जो दोस्त जोहड़ में तैरे है ना, हरियाणा में तो बहुत तैरे होंगे भाई, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर लिखना। और नदी में भी बहुत मजे लिए होंगे आपने, है ना, कोई नहीं, घुमाने ले चलूंगा आपको, अगर आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ ना, जोहड़ में डुबकी लगवाऊंगा मैं आपकी। आज तो खैर आप नहीं जाओगे वहां पे, आज तो बड़े स्टैंडर्ड हो रहा है, बट पहले हम बहुत जाते थे जोहड़ में, हालांकि गंदा पानी होता था बट फिर भी जाते थे। चलिए वो अलग बात है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक तैराक की धारा की दिशा में चाल कितनी है, उसमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तैराक की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग याद कीजिए। तो इसका क्या होगा, शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी, 18 किलोमीटर प्लस में 6 किलोमीटर डिवाइड बाय 2, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
और धारा का वेग कितना हो गया, 18 माइनस में 6 डिवाइड बाय 2, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से दोस्तों हम आसानी से याद कर सकते हैं आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, यदि किसी नाव की दिशा में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये देखिए, यदि किसी नाव की धारा की दिशा में चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी है y किलोमीटर घंटा हो प्रति घंटा हो, तो नाव की औसत चाल क्या होगी, नाव की औसत चाल क्या होगी। मान के चलिए एक नाव है, धारा की दिशा में वो जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटा से और वापस आ रही है फिर y किलोमीटर प्रति घंटा से, तो वो अगर हमने ये पूछ लिया जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो बिल्कुल आसान है, 2x मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा, 2xy हो जाएगा और डिवाइड बाय x प्लस वाई, तो ये हमारा ये फॉर्मूला होगा हमारा नाव की औसत चाल का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है क्या, चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे हम देख लेंगे इससे जो भी क्वेश्चन होगा। आगे देखिए, आगे और हमारी एक और ट्रिक है, इसके अंदर क्या है, यदि किसी नाव की धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में टी समय लगता है, ठीक है, यानी कि एक नाव है वो धारा की दिशा में चल रही है, ठीक है, चल रही है, तो उसे टी वन समय लगता है, जबकि उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसे टी टू टाइम लगता है। आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना आप क्वेश्चन को, कि अगर कोई नाव धारा की दिशा में चलती है और डिस्टेंस हमें नहीं बताई गई है कि कितनी डिस्टेंस है, बट उसने टाइम बताया है कितना लगेगा टी वन, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उसे कितना टाइम लगेगा, टी टू टाइम लगेगा, तो नाव तथा धारा की दिशा में निम्नलिखित संबंध होगा, तो क्या संबंध होगा उसके अंदर। अब देखिए, नाव की चाल बटे में धारा की चाल, नाव की चाल, देखिए नाव की चाल बटे में धारा की चाल बराबर में किसके होगा, इक्वल टू किसके होगा, टी वन समय वन जो लगा उसकी दिशा में जो चल रही है नाव उसमें जो टाइम लगा, प्लस में उसकी विपरीत दिशा में जो टाइम लगा, वो इन दोनों को प्लस में करेंगे, डिवाइड बाय टी टू माइनस टी वन। ये देख लीजिए, आप ध्यान में रख लीजिए इसको, कि इन दोनों को प्लस हम करेंगे, ठीक है, टी वन प्लस में टी टू, इन दोनों को प्लस में करेंगे, डिवाइड बाय टी टू टाइम टू जो लगा, यानी कि विपरीत दिशा में जाने पे जो टाइम लगा, माइनस में अनुकूल दिशा में जो टाइम लगा वो हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, है ना जी, वेरी गुड, शाबाश। देखिए, एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, एक नाविक धारा की दिशा में एक दूरी तय करने में कितना टाइम लेता है, 4 घंटे, ठीक है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, क्योंकि काफी तेज पानी आ रहा है ना, तो दिशा में 4 घंटे लगते हैं, विपरीत दिशा में 8 घंटे लगते हैं। यदि नाविक का वेग शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की चाल याद कीजिए, धारा की चाल हमें याद करना है, और शांत जल में स्पीड कितनी उसकी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है ना जी। तो चलिए इसका हम आंसर देखने की कोशिश करते हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था भाई, ये देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, नाव की चाल बटे में धारा की चाल। अब देखिए, नाव की चाल क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए नाविक का वेग शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, नाव की चाल कितनी होगी, नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बटे में धारा की चाल, धारा की चाल तो यहाँ पे दी नहीं हुई है ना, ये तो हमें क्या है, निकालनी है, धारा की चाल हमें निकालनी, ये हमने बटे में कर दिया, इक्वल टू ये देखिए टी वन प्लस टी टू, टी वन कितना है, 4 घंटे प्लस में 8 घंटे, 4 जमा 8 ये हो गया, और डिवाइड में क्या था, टी टू माइनस में टी वन, यानी कि 8 माइनस में 4 करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि 12/4, ये हमारा क्या आ जाएगा, 15/ धारा की चाल इक्वल टू 12/4। अब देखिए, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, रेसिप्रो एक दूसरे की तरफ लेके जाएंगे, तो धारा की चाल हमारी क्या आ जाएगी, धारा की चाल क्या आ जाएगी, 15 गुना में 4/12 इक्वल टू 5 किलोमीटर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको सोल्व करना आता होगा ना, ये तो सोल्व करना आता होगा कि किस तरह से धारा की चाल यहाँ पे आया है। अब इसको हम इस तरह से करते हैं, 1/1 ये हमारा हो जाएगा
ये मान के चलिए धारा की चाल हो जाएगा धा रा, है ना। यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। धारा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 12/2 में ये कितना हो जाएगा, 4 गुना में हमारे पास ये 1/15 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें ऊपर लेके आना है, ऊपर लेके आना ना, ऊपर लेके आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 15 और 4 जो है वो ऊपर चला जाए। ये सर, ये यार नॉर्मल चीजें आपने की हुई होगी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कई स्टूडेंट को शायद समझ में ना आए कि ये धारा की चाल ये ऐसे कैसे आ गया, ये तो 1/2 में होना था, ठीक है, वो समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। चलिए खैर कोई नहीं, आप सभी को पता होगा ये बातें, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना। और अगला जो हमारा ट्रिक है वो और देखते हैं उसके अंदर क्या है। यदि किसी नाव की धारा की दिशा में D1 दूरी तय करने तथा धारा की विपरीत दिशा में D2 दूरी तय करने में एक समान समय लगता है। अब देखिए, अब इन्होंने दो क्या दिया, दो डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। ये कह रहा है कि धारा की दिशा में वो दूरी कितना करता है, D1 तय करता है, धारा के विपरीत दिशा में D2 दूरी तय करता है। डिस्टेंस दोनों की अलग अलग है, देख लीजिए डिस्टेंस क्या है, दोनों अलग अलग है, बट जो समय है, जो टाइम है, वो एक जैसा लग रहा है, इक्वल टाइम वहां पे लग रहा है। तो नाव तथा धारा की चाल में निम्नलिखित संबंध होगा, तो क्या संबंध होगा उसके अंदर, नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी, D1 + D2। D1 D2 क्या हुआ, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, D1 D2, और अपॉन में 2t। 2t का मतलब क्या है कि दोनों दोनों तरफ में इक्वल टाइम लग रहा है, तो उसे 2 बार गुना कर देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नाव की चाल हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से हमें धारा की चाल निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है तो क्या होगा, D1 - D2 / T2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, है ना, बिल्कुल आसान है ये। आप क्वेश्चन, ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और अब लगेंगे आपको प्यारे प्यारे घुसे। अब आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन, आ रहा है, अब देखें कितने एनडी बनते हो तुम, है ना, कितने शातिर बनते हो। अब इसका आंसर देना आपको, जो आंसर नहीं देगा ना उसको डुबो डुबो के पूछूंगा मैं, पानी के अंदर नहला के पूछूंगा, डुबकियां लगाऊंगा मैं आपकी, बहुत दिन हो गए आपकी कुटाई हुए। देखिए, यदि राम को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग क्या होगा। ये देखिए यही क्वेश्चन है हमारा, ये जो फॉर्मूला है ना इसके अंदर, D1 D2, ये जो फॉर्मूला है ये सेम इसके अंदर लगेगा, और इसमें क्या करना है, धारा का वेग हमें निकालना है, यानी कि ये हमें निकालना है, ये आंसर निकालना है हमें, ठीक है। तो यदि राम को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाने में हर बार कितना घंटे लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं, तो धारा का वेग क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, आप सभी दोस्त जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, और जो देगा उसे तो मैं बोट में बैठा के बहुत ही क्या करेंगे हम, सवारी करेंगे, बहुत मजे आएंगे, ठीक है, गोवा चलेंगे हम सभी, वहां पे मजे करेंगे, आपको वो उसमें मोटर वाली नाव के अंदर घुमाऊंगा मैं आपको, ठीक है, जो जो आंसर देगा इसका, और जो आंसर नहीं देगा और जिसका गलत होगा उसे डुबकी लगवाऊंगा जोहड़ के अंदर, ठीक है, तब जाके पता चलेगा आपको, तब नानी याद आएगी आपको, नानी के घर ऐसा करते होंगे आप, है ना, या दादा दादा के साथ भैंस भैंसों को पानी पिलाने जाते होंगे तब करते होंगे ऐसा, है ना। तो तुम्हें नाना नानी दादा दादी सब याद दिला दूंगा अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो तुमने अब, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सके। हाँ एक चीज़ और, आपने हमारी ऐप डाउनलोड की है या नहीं की, नहीं की, जल्दी से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारी ऐप निमिज नेट का, उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सभी स्टडी नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगे, लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, बहुत कुछ वहां पे मिलने वाला है, और सबसे जबरदस्त जो चीज मिलने वाली है आपको, 2012 से लेके 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर विद आंसर की
पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों आपको मिलने वाले हैं फ्री में। वहां से आप डाउनलोड कीजिए, मजे कीजिए और यूजीसी नेट क्वालिफाई कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।